हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रमेश एग्जाम पेपर। अज समाजिक सिक्ख्या जमा दसवीं तो देख सकते हो सारे पार्ट जिदा इतिहास हो गए, भूगोल हो गए, अर्थशास्त्र एंड नागरिक शास्त्र सारे ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट जो सारे डिस्कस करा। ठीक है, देख सकते दसवीं से पहले इतिहास, फिर भूगोल, फिर अर्थशास्त्र, फिर जाके आ जाना हाँ जी नागरिक शास्त्र। सो सारे करा तो साढ़े चैनल तो नवे चैनल सबसक्राइब करो। जिन्हें भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे एक वीडियो से कवर कर लगे। ठीक है दोस्तों, सो नाल क्वेश्चन पढ़ी जाए, आंसर भी देते हुए। ठीक है, एक मार्क्स वाले भी हैं, दो मार्क्स वाले की, थ्री मार्क्स एंड फाइव मार्क्स दे। ठीक है दोस्तों, सो पढ़िए क्वेश्चन एंड आंसर करिए, वीडियो लेंथ ही नहीं होगा, बहुत सोखे तरीके ने तरी भी आंसर भी लैके आया। ठीक है, सो प्रश्न एक आ जाता अपना, पंजाब किस भाषा दे शब्द जोड़ा नाल बनया है? उत्तर, पंजाब फारसी भाषा दे दो शब्दां पंज अते आप दे मेल तो बनया है। इसका अर्थ है पंज पानी अर्थात पंज दरियावां दी धरती। ठीक है, तो प्रश्न दो, भारत दी वंड होण ते पंजाब शब्द क्यों अटुकवां बनया? उत्तर, तुसीं लिखना वड्डा करके थोड़ा लिखना, भारत दी वंड होण ते पंजाब शब्द अटुकवां बनया क्योंकि वंड तो बाद पंजाब विच पंज दी बजाय सिर्फ दो दरिया ही बाकी रह गए। ठीक है, दो दरिया ही रह गए, किहड़े किहड़े भला हुण? सतलुज ब्यास रह गए, रावी भी थोड़ा जिहा ही रह गया, इसलिए दो दरिया रह गए। तो प्रश्न तीन, भारत दी वंड पंजाब ते की असर होया? हाँ जी, भारत दी वंड नाल पंजाब दो भागां विच वंडिया गया। ठीक है, दो भाग च वंडिया। प्रश्न चार, तैनू नाल टिक भी करी दी ना फिर पता लगू आ रहा। प्रश्न चार, पंजाब नू सप्त सिंधु किस काल विच कहा जांदा सी अते क्यों? उत्तर, सप्त सिंधु शब्द सत भाव सत नदियां दे प्रदेश तो है। पंजाब नू वैदिक काल विच सप्त सिंधु कहा जांदा सी क्योंकि उस समय सत नदियां दा प्रदेश सी। ठीक है, हाँ जी, अगे पंजवा क्वेश्चन। हाँ जी, जेकर पंजाब दे उत्तर विच हिमालय ना हुंदा तां इह किस तरह दा इलाका हुंदा? उत्तर, जेकर पंजाब दे उत्तर विच हिमालय ना हुंदा तां यह इलाका खुशक अते ठंडा बन के रह जांदा। ठीक है, ये छोटे उत्तरां वाले क्वेश्चन ना, एक एक मार्क्स वाले या दो मार्क्स तुहानू मिल जाए, दो मार्क्स दे थोड़ी। दुआबा शब्द तो की भाव है? हाँ जी, तुसीं उत्तर लिखना, दुआबा दो दरियावां दे विचकारले भाग नूं दुआबा कहा जांदा। ठीक है, दो दरियावां दे विचकारले धरती नूं भी कह दिंदे। ठीक है, हुण वड्डे उत्तरां वाले क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, बस छे क्वेश्चन ही आने उहदे विच्चों जे मोस्ट इंपोर्टेंट। अगे इहदे विच वी मोस्ट इंपोर्टेंट करावांगे तुहानूं, जिवें फ्रेशर ने इक इहदे विच दित्ता है, हिमालय दीआं पहाड़ियां दे कोई चार लाभ लिखो। हाँ जी, ये बॉयरी बाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तुहानू आ सकते, सो पढ़िए आप। हाँ जी, हिमालय दीआं पहाड़ियां दे मुख लाभ हेठ लिखे हैं, तुसीं लिखे पहला पॉइंट, हिमालय पर्वत मानसून पौणा नूं रोक के बरखा लियाउण विच सहायता करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो, इस पर्वत दीआं उचाइयां चोटियां हमलावारां नूं हमला करन तो रोक दिया। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट, हिमालय पर्वत अनेक नदियाँ, हाँ जी, नदियाँ निकल दिया हन जिन्हों तो पीन लई पानी अते सिंचाई लई पानी मिलता है। ठीक है, पीन लई पानी ते सिंचाई लई पानी मिलता है। अगे इधर हाँ, ठीक है दोस्तों, ये भी देख लेने, दो हो गया हूँ, तीसरा, हाँ जी, चौथा पॉइंट भी एक रह गया दोस्तों, आ वाला, हिमालय पर्वत तो जंगल तो अनेक जड़ी बूटियाँ ते लकड़ दी प्राप्ति होंदी है। ठीक है, एंड दूसरा प्रश्न बड़े विचों, हाँ जी, थोड़ा जूम कर लिए, हाँ जी, दिख रहा प्रश्न, हाँ जी, कोई तीन दुआबियां दे संखेप वर्णन करो। सो तुसी पहला पॉइंट लिख दियो, दुआबा सिंध सागर इस दुआबे
ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਜੇਹਲਮ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਆਬਾ ਚੱਜ ਚਨਾਬ ਅਤੇ ਜੇਹਲਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੁਆਬਾ ਜੱਜ ਹੈ। ਦੁਆਬਾ ਰਚਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਚਨਾਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਦੁਆਬਾ ਰਚਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਉਪਜਾਊ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਆ, ਵੱਡੇ ਸਮੇਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਮੋਰੀ ਵੈਰੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡੱਬੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ। ਠੀਕ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3 ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3 ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਪੱਛਮੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਨੇਕਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਬਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਹਮਲਾਵਾਰ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਉੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹਮਲਾਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉੱਚਾ ਤੱਕ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਮਲਾਵਾਰ ਆ ਸਕਦੇ, ਬਰਫ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਗਦੀ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਅੱਗੇ ਪਾਠ 2 ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਾਠ 2 ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਵਸਥਾ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਫਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ, ਛੋਟੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹਿਲੋਲ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਉੱਤਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2, ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੁਣ ਦੱਸੋ। ਉੱਤਰ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲ ਜਰਨੈਲ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3, ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੇ 2 ਔਗੁਣ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾ ਉੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਓ, ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਖੁਦ ਪਠਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਠਾਣ ਹੋ ਕੇ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਸ ਨੇ ਪਠਾਣਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਫਲ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4, 3, 5 ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4, ਬਾਰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ? ਉੱਤਰ, 1526 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5, ਉਲਮਾ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਉੱਤਰ, ਉਲਮਾ ਮੁਸਲਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਵਰਗ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਨ। ਠੀਕ ਆ, ਨੇਤਾ ਦਾ ਨਾਂ, ਇਹ ਲੋਕ ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ। ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6, ਸੈਦ ਕੌਣ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ ਸੈਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਫਾਤਿਮਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7, ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਕੇ 4 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ, ਉਲਮਾ ਅਤੇ ਸੈਦ, ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਗੁਲਾਮ ਜਾਂ ਦਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ 8, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਪਰਚਾਵੇ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਉੱਤਰ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ, ਘੋੜ ਦੌੜ, ਨਾਚ ਦੇਖਣਾ, ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਨਾ।
ठीक है, हुण बड़े आ जाए दोस्तों दे इस पार्ट में। छोटे इन्ने आने क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। प्रश्न एक, बार बार दे 1574 ईस्वी के हमले का हाल दसो। हाँ जी, उत्तर दौलत खान लोधी अते आलम खान लोधी दे बुलावे ते बार बार ने 1524 ईस्वी विच पंजाब ते फिर हमला किया। इत्थे इब्राहिम लोधी दियां फौजां ने बार बार नूं रोकण दे यतन किया, पर बार बार ने उस नूं हरा दिता ते लाहौर ते बार बार दा कब्जा हो गया। दौलत खान नूं आस सी कि जेतू हो के बार बार उस नूं पंजाब दा सूबेदार नियुक्त करेगा, पर बार बार ने उस नूं सिर्फ जलंधर अते पले उपर करिए हाँ जी जलंधर अते सुल्तानपुर दे ही प्रदेश दिते। इस लई लोधी ने बगावत कर दिती, पर वह हार गया अते पहाड़ा विच जा छुपया। ठीक है, बस इन्ना ही सी। अगला तीसरा पाठ आ जाता उहदे कहिंदा गुरु नानक देव जी, यही मोस्ट इंपोर्टेंट इको क्वेश्चन ने। ठीक है दोस्तों, ये तैयारी चंगी तरह करियो। एंड अगे थर्ड पाठ आ जाता अर्थात गुरु नानक देव जी दे उना दिया सिख्यावां। ठीक है, सो पहले छोटे उत्तर वाले। हाँ जी, किस घटना नूं सच्चा सौदा दा नाम दिता गया। हाँ जी, उत्तर सच्चा सौदा तो भाव है पवित्र व्यापार है, पवित्र व्यापार जो गुरु नानक साहिब ने 20 रुपए नाल फकीरां नूं रोटी खवा के कीती सी। ठीक है, ते प्रश्न दो, गुरु नानक देव जी दा जन्म कदों अते कित्थे होया। ये सारे नूं पता, 15 अप्रैल 1469 ईस्वी नूं तलवंडी नामक स्थान ते होया सी, जो कि हले अज कल पाकिस्तान में स्थित है। प्रश्न तीन, गुरु नानक देव जी दी सुपत्नी कित्थों दी रहन वाली सी, उना दे की किन्ने पुत्र सन। हाँ जी, कित्थों दे पढ़ना पैना अपन उपर कर लेने। हाँ जी, उत्तर गुरु नानक देव जी दे सुपत्नी बीबी सुलखनी बटाला दी रहन वाली सी, उना दे पुत्रां दे नाम सी श्री चंदन अते लक्ष्मी दास। प्रश्न चार, गुरु नानक देव जी दी भैन अते माता जी दा की नाम सी। हाँ जी, भैन दा नाम सी श्री गुरु नानक देव जी दी भैन जी दा नाम हैगा नानकी अते माता जी दा नाम तिपता जी सी। ठीक है, प्रश्न पंज, गुरु नानक देव जी ने ज्ञान प्राप्त तो बाद की शब्द कहे। ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। ठीक है, ते प्रश्न छे देखते हैं। प्रश्न छे, गुरु नानक देव जी दियां रचियां चार बाणियां दे नाम लिखो। तुसी लिख दियो पुत्र विच जप्पू जी साहिब, बार आसा, बार मलार, बारह महा। ठीक है, प्रश्न सत, गुरु नानक देव जी ने कुरु के क्षेत्र विच की विचार किते। गुरु उत्तर लिखो, कुरु के क्षेत्र विच गुरु जी ने उपदेश दिता कि सूरज ग्रहण अते चन ग्रहण संबंधी झूठे वहमां भरमां विच विश्वास नहीं करना चाहिदा है। ठीक है, हुण इन्ना ही छोटे क्वेश्चन विच जिहड़े आउगे मोस्ट इंपोर्टेंट, अगे वड्डे क्वेश्चन जिहड़े मोस्ट आ इंपोर्टेंट वो करदे आ। प्रश्न एक, गुरु नानक देव जी दे परमात्मा संबंधी विचारां दा संखेप वर्णन करो। हाँ जी, उत्तर गुरु जी दे परमात्मा संबंधी विचार हेठ लिखे हन। परमात्मा एक है, परमात्मा सर्व शक्तिमान अते सर्वव्यापी है, परमात्मा निराकार है, परमात्मा दयालु है। ठीक है, ये तुसी चार पॉइंट लिख दियो। ते प्रश्न दो, गुरु नानक देव जी दी जीवनी दी रसम दा वर्णन करो। उत्तर गुरु नानक देव जी दे मापिया ने पुरानी रीति रिवाजा अनुसार उन्हां नूं जीवनी पवाउणा चाहिया। इस रसम विच साक संबंधियां नूं बुलाया गया,
मंत्र पढ़न तो पहला पंडित ने गुरु जी ने अपने सामने हाँ जी अगे की है पढ़ लेने इधर गया हाँ जी अपने सामने बिठाया ते जोनी पाउन ले किया। गुरु साहब जी ने जोनी पाउन तो इनकार कर दिता। उन्होंने हाँ जी सूद दे धाग्या नाल नहीं सद गुणा दे धाग्या नाल बन्ने जोनी दी मंग की। प्रश्न तीन देखते हैं दोस्तों, प्रश्न तीन आप इस देख सकते हो। ओहो हट गया आ प्रश्न तीन, गुरु नानक देव जी दे मुढ़ले जीवन विच की किथे अपनाए। ठीक है उत्तर, गुरु नानक देव जी दे शुरू तो ही परमात्मा विच दिलचस्पी सी अते पीरां फकीरां साधु संतां दी संगत विच खुश रहिंदे सन। उन्हां दीआं रुचियां विच तब्दीली लियाउण लई महिता कालू जी ने उन्हां नूं पशु चारण लई भेजिया, पर गुरु नानक देव जी ने अपना ध्यान प्रभु नाल ला लैंदे अते पशु खेतां दा उजाड़ा कर देंदे। फिर उन्हां दे पिता ने गुरु जी नूं वपारक विच पाउणा चाह अते 20 रुपए दे के वपार करन लई भेजिया। गुरु जी ने 20 रुपए दे भुखे फकीरां नूं रोटी खवा दित्ती। इस घटना नूं सच्चा सौदा कहा जाता है। ठीक है ये सी मोस्ट इंपोर्टेंट, किन्ने क्वेश्चन सी? तीन क्वेश्चन ही सी सिर्फ मोस्ट इंपोर्टेंट जिहड़े हैगे, ये पक्के एग्जाम विच आ सकते दोस्तों। तीन प्री बोर्ड भी तां हो गया, ठीक है हो गया एग्जाम हो रहे तो तुसीं देख सकते हो। ठीक है प्रश्न मैं सॉरी पार्ट चार विचों जिहड़े आ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ। ਠੀਕ ਆ ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਕ, ਸੋ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਆ ਪਹਿਲੇ ਛੋਟੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹਾਂਜੀ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਸੀ? ਉੱਤਰ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਉੱਤਰ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਆ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਛਕਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਿੰਨ, ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਵਿੱਚ ਬਾਉਲੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ? ਉੱਤਰ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਾਰ, ਅਕਬਰ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਨ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ? ਉੱਤਰ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੰਜ, ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਦੋ ਉਦੇਸ਼ ਲਿਖੋ। ਪ੍ਰਸ਼ ਉੱਤਰ, ਪਹਿਲਾ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਦੂਸਰਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਛੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜੇ ਸਨ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਏ ਸੀ? ਠੀਕ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉੱਤਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੱਤ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਕਿਸ ਨੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਰੱਖਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਉੱਤਰ, 1589 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੀਆਂ ਮੀਰ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅੱਠ, ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਪਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ? ਉੱਤਰ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੌ, ਦਸਵੰਤ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਉੱਤਰ, ਦਸਵੰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਭੇਟ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਸ, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉੱਤਰ, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 11, ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਸਨ? ਉੱਤਰ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਆ, ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 12, ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਇੱਧਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ। ਠੀਕ, ਆ ਦੇਖੋ ਉੱਤਰ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 13, ਫਿਰ ਵੱਡੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਲੇ 10 ਸਾਲ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ? ਉੱਤਰ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ। ਠੀਕ ਆ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 70 ਤੋਂ 75 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1 ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਉੱਤਰ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 22 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਗ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਮੰਜੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੀ। ਐਂਡ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ? ਉੱਤਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਨਮ, ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਾਧੂ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਰੀਤੀਆਂ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਮਤ ਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3, ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਉੱਤਰ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤੋਖਸਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਮੀ 2 ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ 4 ਚੁਫੇੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੱਸ ਗਏ। ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਵਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹਾਲੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਥੋੜ੍ਹੇ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਉੱਤਰ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 1588 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ। ਐਂਡ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੰਜ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਉੱਤਰ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 12 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਥੜੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਇੱਧਰ। ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਲਾਸਟ ਹੀ ਆਪਣਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਥੜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਆ, ਸੌਖਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅਗਲੇ ਪਾਠ 5 ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਛੋਟੇ ਫਿਰ ਵੱਡੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਆ। ਉੱਤਰ, 22 ਦਸੰਬਰ 1666 ਵਿੱਚ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ। ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਜਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਜਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ? ਉੱਤਰ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਆਤਮ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3। ਠੀਕ ਹੈ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੋ। ਉੱਤਰ, ਦਇਆ ਰਾਮ, ਧਰਮਦਾਸ, ਮੋਮਕ ਚੰਦ, ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4, ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਸਿਰਜਣਾ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ। ਉੱਤਰ, ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਜਣਾ 1699 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5, ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਕਰਨਾ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਰਾਤ ਜੋ ਗੜਵਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6, ਹਾਂਜੀ, ਨਾਦੌਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਉੱਤਰ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾਦੌਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7, ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਉੱਤਰ, ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਖਿਦਰਾਨਾ ਸੀ। 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਖਿਦਰਾਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਕਤਸਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 8, ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮਾ ਖਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਉੱਤਰ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ, 75 ਤੋਂ 75 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਸੌਖੇ ਸੌਖੇ ਵੈਸੇ।
प्रश्न एक, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने पटना विखे अपना बचपन किमें बिताया? उत्तर, पटना विच बचपन। गोबिंद राय जी ने अपने अपने जीवन दे पहले पांच बरे पटना विच गुजारे। बचपन विच वह अजिहियां खेडां खेडदे सन जिन्हां तो यह पता लगदा सी कि एक दिन वह धार्मिक अते महान नेता बनेगा। वह अपने साथियां दियां दौड़ां अते कुश्तियां करवाया करदे सन। वह आप भी उन्हां खेडां विच हिस्सा लिया करदे सन। वह अपने साथी बच्चों नूं दो हिस्सों विच वंड के उन्हां तों नकली युद्ध करवाया करदे सन। वह अपने साथियों के झगड़ियां दा निपटारा करन लई कचहरियां लाया करदे सन। गुरु गोबिंद राय जी दे दर्शन करके एक मुस्लिम फकीर सैयद भिखन शाह दे बचन किते सन कि एक दिन वह बालक महा पैगंबर बनेगा। ठीक है, अगे दूसरा मोशन पढ़ को छड़े बड़े विचों। प्रश्न दो, खालसा दे नियमां दा वर्णन करो। उत्तर, खालसा दी स्थापना 1699 ईस्वी विच गुरु गोबिंद सिंह जी ने कीती। खालसा दे मुख नियम हेठ लिखे सन। नंबर एक, खालसा विच प्रवेश करन लई हर व्यक्ति नूं खंडे दी पाहुले सेवन करनी पवेगी। नंबर दो, हर एक खालसा अपने नाम दे नाल सिंह शब्द लाएगा। खालसा स्त्री अपने नाम दे नाल कौर लाएगी। प्रश्न थोड़ी पॉइंट पांच, खालसा पांच कार केस कंगा कड़ा कचहरा अते कृपाण धारण करेगा। ठीक है, खालसा केवल एक ईश्वर विच विश्वास करेगा। ते लास्ट पॉइंट, वह अमृत वेले उठ के स्नान करके पांच बाणियां दा पाठ करेगा। ठीक है, हुण अगे थोड़ा जिहा डिफिकल्ट आ, थोड़े कईआं दी याद करे दो बारी पढ़े हो जूगा। ठीक है, हुण तीसरा प्रश्न, प्रश्न तीन, पंगानी दी लड़ाई दे की कारण सन? उत्तर, गुरु गोबिंद सिंह जी दियां सैनिकां करवाइयां नूं पहाड़ी राजे अपने राजां लई खतरा समझदे सन। दूसरा पॉइंट, गुरु जी मूर्ति पूजा दे विरोध सन पर पहाड़ी राजे मूर्ति पूजा विच विश्वास रखदे सन। प्रश्न नंबर पॉइंट पंज, थ्री, इस युद्ध का तत्काली कारण यह सी कि भीम चंद के पुत्र दी परात जो बगड़ावाल जा रही सी नूं सिखा ने पाउंटा साहिब तो लंघन ना दिता। सिट्टे वजो हजार पहाड़ी राजियां ने गुरु साहिब नाल युद्ध करन दा मन बना लिया। ठीक है, छोटे उत्तरां च भी आए सी, वड्डे च भी आए। ते प्रश्न चार, चमकौर साहब की लड़ाई ते नोट, वैरी वैरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये तुहानूं पक्के मैनूं लगदा आऊगा। ठीक है, उत्तर, सरसा नदी नूं पार करन पिछों गुरु गोबिंद सिंह जी चमकौर साहब पुजे। उस समय उन्हां नाल सिर्फ 40 सिख सन। उन्हां ने उत्थे एक कच्ची गढ़ी विच जा के शरण लई। उदों उन्हां उत्ते बैरी दी सेना ने हमला किया तां उन्होंने उसका डट के मुकाबला किया। गुरु साहब के दोहां साहबजादियां नूं बैरी दे आहू आउंदे होए उहां शहीदी प्राप्त कर गए। पांच प्यारियां विचों तीन प्यारे यह शहीद पा गए। अंत नूं गुरु जी दे 40 सिंघां विचों केवल पांच सिंघ रह गए। सिखां दे बेनती करन ते गोबिंद सिंह जी अपने साथियों नाल माछी बाड़ा दे जंगलों नूं तुर गए। ठीक है, अगे इतिहास दा पाठ छे, बंदा बहादुर अते सिख मिसलां। ठीक है, इतिहासिक चैप्टर ज़्यादा है ना, तो क्वेश्चन भी याद करने वाले होंगे। ठीक है, सो ये भी तुहानूं करावांगे सारा, टेंशन नहीं लो। एक या दो वीडियो भावें दो वीडियो बनानी पवे,
बना लाँगे, सारा चैप्टर रीड करेंगे अपन जेडे मोशन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन एक है, हाँ जी, हुक्मनामे हुक्मनामे बिच गुरु जी ने पंजाब दे सिखा नू की आदेश दिता? उत्तर, गुरु जी ने सिखा नू लिखा कि हुण तो बाद बंदा बहादुर उन्हां दा राजनीतिक नेता होवेगा, वह मुगलों के विरुद्ध धर्म युद्ध विच बंदे दा साथ देन। ते प्रश्न दो, बंदा बहादुर दखन तो पंजाब वल क्यों आया? उत्तर, मुगलों के विरुद्ध सैनिकों की कार्रवाई करने ले। प्रश्न तीन, सर एक एक या दो दो मार्क्स वाले आऊँगे क्वेश्चन के बच्चों। हाँ जी, समाले उपर बंदा सिंह बहादुर ने क्यों हमला किया? हाँ जी, उत्तर, सिखा गुरु साहबाना अत्याचार करन वाले जलादान। हाँ जी, उत्तर, सिखा गुरु साहबाना अत्याचार करन वाले जलादा नू सज़ा देने लई। प्रश्न चार, वजीर खां कितों का सूबेदार सी अते उसकी बंदा सिंह नाल किस स्थान पर लड़ाई हुई? ऐसी सरहिंद का सूबेदार सी, देख लेने की है। उत्तर, हाँ जी, हाँ जी, सरहिंद का सूबेदार सी, उसकी बंदा सिंह बहादुर नाल चप्पड़ चिड़ी दे स्थान पर लड़ाई हुई। प्रश्न पांच, बंदा सिंह बहादुर ने साडोरा उत्ते क्यों हमला किया? उत्तर, साडोरे का हाकम हिंदुओं उत्ते जुलम करता सी, इसलिए बंदा बहादुर ने साडोरे उपर हमला किया। प्रश्न छे, बंदा बहादुर की शहीदी बारे लिखो। उत्तर, 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर उत्ते उसके साथियों समेत कैद करके दिल्ली लिया गया। उत्ते मुगल जालमां ने लोहे दियां गर्म सलाखां नाल उसका मास खिंचा, इस तरह बंदा बहादुर शहीदी नू प्राप्त होया। ठीक है, बहुत जुल्म किए। प्रश्न सात, करोड़ सिंघिया मिसल का, हाँ जी, नाम की किमें पिया? हाँ जी, करोड़ सिंघिया मिसल का बाणी करोड़ सिंह सी उस दा नाम ते इस मिसल का नाम पिया। ठीक, ते सदा कौन कौन सी? महाराजा रणजीत सिंह की सस। ये तो सारे नू पता होना। प्रश्न अगे बढ़े आ जाते। हाँ जी, एक प्रश्न, एक बंदा बहादुर अते गुरु गोबिंद सिंह जी दे मुलाकातों का हाल लिखो। सो पढ़िए। उत्तर, अपने अंतरले दिनों विचों गुरु जी दखण विच गए, उत्थे नांदेड़ साहिब विखे उन्हां दी मुलाकात माधो दास बैरागी नाल होया। गुरु जी दी शख्सियत ने उस नूं इन्ना ज़्यादा प्रभावित किया कि वह गुरु जी का चेला बन गया। गुरु जी ने उस नूं सिंह बनाया अते गुरु बख्श सिंह का नाम दिता। पर माधोदास बंदा बहादुर दे नाम नाल ही मशहूर होया। जदों बंदा बहादुर नूं मुगलों द्वारा सिखा उत्ते किते अत्याचारों का पता लगा तो उन्हां दा खून खोल गया खोलन लगा। ठीक है, गुरु जी का आदेश मिलने ते बंदा बहादुर सिखा की अगवाई करन अते मुगलों तो बदला लैन लई पंजाब आया। ठीक है, अगे प्रश्न दो बड़िया चो। हाँ जी, गुरदास नंगल की लड़ाई का हाल लिखो। 1715 ईस्वी में बंदा बहादुर ने कालानौर अते बटाला उत्ते फिर अपना अधिकार जमा लिया। मुगलों की मिसाइल सेना ने बंदा बहादुर उत्ते हमला कर दिता। सिखा ने उन्हों का बड़ी बहादुरी नाल टकरा किया। सिखा ने दुनी चंद की हवेली विच शरण लई दुश्मन नू दूर रखन लई सिखा ने हवेली दे दुआले खाई पुट के उस विच पानी भर दिता। 8 महीनों की लंबी लड़ाई दे कारण सिखा कोल भोजन समगरी खत्म हो गई। हाँ जी, मजबूर हो के उन्हां नू हार मननी पई। ठीक है, ते प्रश्न तीन, सब तो पहला मिसल केड़ी सी उसका हाल दसो।
उत्तर फैजलपुरिया मिसल सब तो पहला मिसल से। उस इस मिसल का मोडी नवाब कपूर सिंह से। उसने सब तो पहला अमृतसर के नेड़े फैजलपुर पिंड उत्ते हमला किया अते कब्जा किया। नवाब कपूर सिंह की मौत पिछों उसका भतीजा खुशहाल सिंह फैजलपुरिया मिसल का नेता बनया। खुशहाल सिंह ठीक है नेता बनया ना सिंह की मौत तो बाद उसका पुत्र बुद्ध सिंह इस मिसल का सरदार बनया। 1819 ईस्वी रणजीत सिंह ने उसनू हरा के इस मिसल नू अपने राज विच मिला लिया। ठीक है ये तो हो गया। हम आगे देखिए। हाँ जी बस ये हम प्रश्न पाठ सात आ जाता इतिहास का। हाँ जी रणजीत सिंह अते मुढ़ला जीवन प्राप्तियां अते अंग्रेजी नाल संबंध सो पढ़िए। हाँ जी प्रश्न एक रणजीत सिंह का जन्म कदों होया। उसका पिता का नाम की सी। उत्तर रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 ईस्वी होया। उसके पिता का नाम सरदार महा सिंह से। प्रश्न दो हाँ जी महताब कौर कौन सी। उत्तर महताब कौर रणजीत सिंह की पत्नी सी। प्रश्न तीन तिकड़ी की सरप्रस्ती का काल किसनों कहा जाता है। उत्तर रणजीत सिंह के नाबालग होने के कारण शुक्राचार्य मिसल हाँ जी शुक्र चक्रिया मिसल की बागडोर रणजीत सिंह की सास सदा कौर माता राज कौर अते दीवान लखपत राय के हत्था विच रहे। इस काल नू तकड़ी की सरप्रस्ती की काल कहा जाता है। ठीक है तो छोटे उधर प्रश्न चार रणजीत सिंह द्वारा अकालगढ़ की जित का हाल दसो। उत्तर 1802 ईस्वी रणजीत सिंह ने अकालगढ़ से हमला किया। उतों के शासक दल सिंह की मौत तो बाद अकालगढ़ नू अपने राज विच मिला लिया। ठीक है तो प्रश्न बड़े उत्तर पढ़ लिए। हाँ जी सब सत्या प्रश्न एक रणजीत सिंह दे लाहौर उत्ते कब्जे का हाल लिखो। उत्तर लाहौर के निवासी सरदारा ने कुशान शासन तो तंग आए हुए सन। इसलिए लाहौर के शहरिया ने रणजीत सिंह नू लाहौर उत्ते कब्जा करने लिए सदा पत्र भेजा। रणजीत सिंह दिया फौजा ने लाहौर उत्ते हल्ला बोल दिता। जदों वह अपनिया फौजा नाल लाहौर दरवाजे ते पुजा ता शहरिया ने दरवाजा खोल दिता। रणजीत सिंह ने फौज शहर अंदर पुज गई अते लाहौर उत्ते कब्जा कर लिया। ठीक है बड़े उत्तर प्रश्न दो महाराजा रणजीत सिंह द्वारा अमृतसर की जित दी महत्ता लिखो। उत्तर महाराजा रणजीत सिंह ने लई अमृतसर की जित हेठ लिखिया महत्व है। नंबर एक लाहौर पंजाब की राजधानी सी हुण अमृतसर सिखा की धार्मिक राजधानी बन गया। प्रश्न पॉइंट दो अमृतसर की जित नाल महाराजा रणजीत सिंह की सैनिक शक्ति विच वाधा होया। पॉइंट थ्री हाँ जी अमृतसर की जित दे सिट्टे वजो महाराजा रणजीत सिंह की मशहूरी दूर दूर तक फैल गई। जिहड़े सैनिकां ने अंग्रेज़ां दी फौज नू छड्ड दित्ता सी हुण महाराजे दी सेना विच आउण लगे। ठीक है इहदे विच इक होर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिहड़ा मैं तुहानूं दस दिंदा इत्थे इस लिखिया नहीं गया मैं तुहानूं महाराजा रणजीत सिंह दे बचपन तुसीं की जाणदे हो। हाँ जी तुसीं उहदे लिख दिओ मैं तुहानूं कराए दिंदा उह वी क्वेश्चन। ठीक है उह वी कर लिओ तुहानूं किसे गाइड 'च मिल जाणगे। वैसे मैं तुहानूं मैं थोड़ा बहुत मैं दस दिंदा महाराजा रणजीत सिंह बचपन जन्म जो कितने हुए थे थोड़ी एक बार दस दी। ठीक तो उन्हें जो लिखा होना मैं देखा देख ली जन्म बारे। हाँ जी महाराजा हाँ जी रणजीत सिंह महाराज तुम लिखो रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 ईस्वी होया। उसके पिता का नाम सरदार महा सिंह सी। ठीक है तो वह उसनों बचपन जो पढ़ने लिए भेजा गया तो वह उसका पढ़ाई लिखाई मन नहीं सी। वह सारा दिन तीर कम नाते घोड़सवार करता रहता इसलिए वह जल्द ही
एक चंगा तीर तीर समान तीर तीरंजा ते घोड़सवार बन गया। ठीक है, इस तरह तुसी लिख के आयो। ठीक है, वो एक बहुत बहादुर सी तो उसका ध्यान जब तक पढ़ाई लिखाई विच नहीं था। ठीक है, तो हुण आपां करना की है दोस्तों, हाँ जी प्रश्न पाठ आठ करना। अंग्रेज़ां अते सिखां दे युद्ध अते पंजाब उत्ते अंग्रेज़ां दा कब्जा, सो पहले छोटे फिर बड़े। हाँ जी, प्रश्न एक, महाराजा रणजीत सिंह तो बाद कौन उसका उत्तराधिकारी बनया? उत्तर, खड़क सिंह। प्रश्न दो, मुदकी दी लड़ाई विच सिखां दी हार क्यों हुई? उत्तर, इस दे हेठ लिखे कारण हन। नंबर एक, सिख सरदार लाल सिंह ने गद्दारी कीती अते युद्ध दे मैदान विचों दौड़ गया। नंबर दो, अंग्रेज़ां दी तुलना विच सिखां सैनिकां दी गिनती घट सी। प्रश्न तीन, पंजाब नूं अंग्रेजी राज विच कदों शामिल किया गया अते उस समय भारत दा गवर्नर जनरल कौन सी? हाँ जी, इहदा उत्तर देखिए। हाँ जी, उत्तर, पंजाब नूं अंग्रेजी राज विच 1849 विच शामिल किया गया अते उस समय भारत दा गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी सी। ठीक है, प्रश्न चार, कौंसल ऑफ रीजेंसी बारे तुसी की जानते हो? उत्तर, दूजे एंगलोर सिख युद्ध तो बाद लाहौर दा राज प्रबंध चलाने लई। ठीक है, प्रश्न अठ, चलाने लई 8 मैंबरां दी एक कौंसल बनाई गई जिस नूं कौंसल ऑफ रीजेंसी कहिंदे सन। प्रश्न पंज, गऊआं संबंधी झगड़े बारे जानकारी दिओ। 1846 ईस्वी विच गऊआं दी एक बग ते एक यूरोपीन चोप चीज ने तलवार चला दिती जिस नाल हिंदू ते सिख अंग्रेज़ां दे विरुद्ध फड़क उठे। हाँ जी, ठीक है, ते प्रश्न छे, सब राउ दी लड़ाई कदों हुई, इस दा की सिट्टा निकलिया? ठीक है, खंग लग गई। हम उत्तर, हाँ जी, उत्तर 1846 ईस्वी विच हुई। इस विच सिख हार गए अते अंग्रेज़ फौज बिना रुकावट सतलुज नदी नूं पार कर गई। ठीक है, अगे बड़े उत्तरां वाले प्रश्न। हाँ जी, प्रश्न एक, पौड़वाल संधि नदी, हाँ जी, संधि दियाँ कोई चार धारनावां दिओ। उत्तर, इस दियाँ हेठ लिखे धारनावां हन सन, तुसीं लिख दिओ। ठीक है, धारनावां सन, पहला पॉइंट, महाराजा दलीप सिंह दे नाबालग होने कारण राज दा शासन प्रबंध 8 मैंबरां दी कौंसल ऑफ रीजेंसी राहीं चलाया जाएगा। नंबर दो, महाराणी जिंदा नूं राज तो बख कर दिता गया, उस नूं 1.5 लाख रुपया पेंशन दिती गई। नंबर पॉइंट थ्री, महाराजा दी रक्षा लई अते शांति कायम रखन लई ब्रिटिश सेना लाहौर विच रहेगी। नंबर पॉइंट फोर, ब्रिटिश सेना दी खर्च लई लाहौर राज ब्रिटिश सरकार नूं 22 लाख रुपए सालाना देवेगा। प्रश्न दो, बड़िया चो पैरोवाल संधि दी महत्ता दसो। उत्तर, यह संधि पंजाब अते भारती इतिहास विच बहुत महत्ता रखती है। इस संधि नाल अंग्रेज पंजाब दे मालक बन गए। इस संधि राही महाराणी जिंदा नूं राज प्रबंध तो अलग कर दिता गया। प्रश्न तीन, ठीक है, हाँ जी, महाराजा दलीप सिंह बारे तुसी की जानते हो? मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, ये पक्का होगा। उत्तर, महाराजा दलीप सिंह पंजाब दा आखिरी हाकम सी, उस दे नाबालग होने कारण पौरोवाल दी संधि दे अनुसार लाहौर राज दा प्रबंधन चलाने लई 8 मैंबरां दी कौंसल ऑफ रीजेंसी स्थापना की गई। इस ने महाराजा दे बालक होण तक काम करना सी, पर दूजे अंग लोग सिख युद्ध विच, हाँ जी, सिख मुड़
हार गए। चिट्टे बाजू महाराजा दलीप सिंह नूं गद्दी तों उतार दिता गया। उस नूं 4 लाख रुपये सालाना पैनशन निश्चित कर दिती गई। पंजाब अंग्रेज साम्राज अधीन आ गया। ठीक है, पाठ 9 हुण देख लैने। पाठ 9, अकाली शहर दे होंद विच आउण दे कारण दसो। उत्तर, इस दे हेठ लिखे कारण। नंबर 1, गुरुद्वारियां नूं बद चलन महता तो आजाद करवाना लई। ठीक है, ते नंबर पॉइंट 2 सी, नंबर 1 सी, हुण नंबर 2, गुरुद्वारियां दे प्रबंध विच सुधार लियाउण लई। ठीक है, प्रश्न 2, चाबियां वाला मोर्चा क्यों लगा। हाँ जी, देख लीए दे आंसर की लिखिया। हाँ जी, उत्तर, दरबार साहिब अमृतसर उत्ते सिखां दा अधिकार सी, पर इत्थों दी गोलक दियां चाबियां अंग्रेजां ने दबा रखियां सन। इन्हां चाबियां नूं प्राप्ति करन लई सिखां ने चाबियां वाला मोर्चा लिया। ठीक है, जेकर हाले तुसीं चैनल सबसक्राइब, प्लीज़ चैनल सबसक्राइब कर लो। मेहनत भी बथेरी लगदी दोस्तों, तुहानूं पता ही आ, बोलण 'च वी, वीडियो तैयार करन 'च वी। ठीक है, प्रश्न 3, हाँ जी, गुरु का बागो मोर्चा दे कारण दसो। उत्तर, गुरु का बाग जिला अमृतसर विच है। हाँ जी, इत्थों दा गुरुद्वारा साहिब महंत सुंदर दास दे अधिकार विच सी, जो कि एक बद चलन व्यक्ति सी। उस तो कब्जा छडवाउण लई सिखां ने गुरु का बाग मोर्चा लिया। प्रश्न 4, बावरा दा की महत्व सी। उत्तर, बावरा दा मुख महत्व सी मुख बारां अते सरकारी पिठुआ दा अंत करना। प्रश्न 5, साइमन कमिश्नर कदों भारत विच आया अते इस दा क्यों बाइकाट कीता गया। उत्तर, साइमन कमिश्नर 1928 ईस्वी विच भारत विच आया। इस विच एक बारी भारतीय मैंबर शामिल नहीं सी, इस लई भारतीयां ने इस दा विरोध कीता। अगे बड़े उत्तरां वालों, प्रश्न 1, हाँ जी, जलियांवाला बाग दी दुर्घटना दे की कारण सन। उत्तर, रॉलट बिल 1919 ईस्वी विच अंग्रेजी सरकार ने रॉलट बिल पास किया, जिस अनुसार पुलिस शक दे आधार ते किसी नूं भी गिरफ्तार कर सकती सी। भारतीयां ने इस दा विरोध किया। नंबर 2, सतपाल अते किचलू दी गिरफ्तारी। अंग्रेज सरकार ने पंजाब दे मशहूर नेता सतपाल अते किचलू नूं गिरफ्तार करवा दिता, इस करके जनता फर्क उठी। ठीक है, गुस्से विच आ गई। पॉइंट 3, अंग्रेजां दा कतल फड़के होए लोकां उत्ते अमृतसर विच गोली चलाई गई। जवाब ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ 5 ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭਾ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2, ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ। ਉੱਤਰ, ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਪੱਕਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸੀ। ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਾਤਲ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਖੂਨ ਖੋਲ ਉੱਠਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ 21 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3, ਸਾਈਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉੱਤੇ ਨੋਟ। ਉੱਤਰ, 1928 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ
कमिश्नर भारत विच आया। इस दा प्रधान सर जॉन साइमन सी। इस कमिश्नर विच एक भी भारती शामिल नहीं सी, इसलिए भारतीयों ने इस कमिश्नर का विरोध किया। लाहौर विच एक इस कमिश्न का विरोध करन दे कारण लाला लाजपत राय उत्ते लाठियां बढ़ाईयां गई, जिस नाल उस दी शहीदी होगी। ठीक है, अगे देखिए। हाँ जी, अगे आ जाता लास्ट ही। आप प्रश्न चार, नामधारियां अते अंग्रेज़ां विचकार मालेर कोट ला विखे हुई दुर्घटना का हल दसो। उत्तर, नामधारी सिख उगो सुरक्षा करते सन अते बुचड़ां नू मार देंदे सन। 1872 ईस्वी विच 150 कूकियां दा जत्था बुचड़ां नू सज़ा देन लई मलेरकोटले पुजा। मलेरकोटला विखे दोवां पासियां दे अनेक आदमियां मारे गए। अंग्रेज़ सरकार ने कूकियां विरुद्ध कार्रवाई की। 65 कूकियां नू तोपां नाल उड़ा दिता गया अते बाबा राम सिंह जी नू देश निकाला दे दिता। ठीक है, सो ये तुसीं अपना दोस्तों इतिहास सारा कंप्लीट तुहानूं करा दिता। हुण दोस्तों आ जाता नागरिक शास्त्र। ठीक है, फिर भूगोल भी आजूगा एंड अर्थशास्त्र भी आजूगा। बड़ी मुश्किल थक गया दोस्तों बोल बोल के मैं तुहाडे। नागरिक शास्त्र पाठ 10, भारतीय संविधान अतियां विशेषतावां। सो करिए। हाँ जी, प्रश्न एक, संविधान तो तुहाडा की भाव है? उत्तर, संविधान एक मौलिक कानूनी दस्तावेज है जां लेख हुंदा है जिस दे अनुसार देश की सरकार अपना काम करदी है। ठीक है, प्रश्न दो, संविधान की प्रस्तावना दा की दर्शाती है? उत्तर, इस गल नूं दर्शाती है कि भारत विच शासन प्रणाली का किहो जिहा स्वरूप होवेगा। ठीक है, प्रश्न तीन, भारतीय संविधान दीयां दो मुख विशेषतावां दसो। उत्तर, बड़े आकार वाला, दूसरा लचकीला अते कठोर। ठीक है, ते अगे धर्म निरपक्षता भी कह सकते, ते लचकीला अते कठोर हो की कह सकते दोस्तों। सो देख लेंगे, पेपर भी लेंगे उदों भी डिस्कस करांगे जे क्वेश्चन आया तो। प्रश्न चार, संघात्मक संविधान तो तुहाडा की भाव है? इस दे संविधान दे अनुसार देश विच केंद्रीय अते राज पद्धर उत्ते वख-वख सरकारां काम करदियां हन। ठीक है, प्रश्न पंज, संघात्मक संविधान दीयां दो विशेषतावां दसो। उत्तर, नंबर एक, केंद्र अते राजां विचकार शक्तियां दी वंड। ठीक है, नंबर दो, निरपक्ष न्यायपालिका। प्रश्न छे, भारतीय नागरिकां दे कोई चार अधिकार लिखो। उत्तर, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण विरुद्ध अधिकार। प्रश्न सत्त, ठीक है, भारतीय नागरिकां दे दो संविधानिक कर्तव्य दसो। नंबर एक, उत्तर च राष्ट्रीय झंडे अते राष्ट्रीय गीत का आदर करना। नंबर दो, एकता अते अखंडता की राखी करनी। प्रश्न आठ, छोटिया विचों, राज दी नीति दे निर्देशक सिद्धांत दा की महत्व है? उत्तर, इन्हां सिद्धांतों दे आधार ते केंद्र ते राज सरकारां नूं अपना प्रोग्राम बनाउण लई निर्देश दित्ता गया है। अगे जांदा वड्डे च। ठीक है, नंबर एक, प्रश्न एक, भारत एक धर्म निरपक्षता लोकतंत्र गणराज है, व्याख्या करो वड्डे उत्तरां च दोस्तों। ठीक है, वैसे सरल शब्दों में लिखा हुआ है। उत्तर, नंबर एक, धर्म निरपक्ष राज तो भाव सब धर्मां दी समानता ते स्वतंत्रता तो है। भारत विच सब धर्मां नूं बराबर समझा जाता है। ठीक है, नंबर दो, लोकतंत्री राज तो भाव भारत विच लोकां द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करनगे। ठीक है, लोकतंत्री सरकार कहते। ठीक है, तो प्रश्न पॉइंट थ्री,
ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਣਰਾਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਅੰਤਰ ਦੱਸੋ। ਉੱਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅੰਤਰ ਹਨ। ਨੰਬਰ 1, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਿਆਂ ਯੋਗ ਹਨ ਪਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨਿਆਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੰਬਰ 1 ਹੋ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ 2, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਿਖੇਦ ਆਤਮਕ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨਿਸ਼ਚਾਤਮਕ ਸਰੂਪ ਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਾਠ 11, ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋਸਤੋ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1, ਛੋਟੇ ਉਤਰਾਅ 'ਚੋਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ, 5 ਸਾਲ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਉੱਤਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 550 ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 545 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਠੀਕ ਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 545 ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉੱਤਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4, ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਉੱਤਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਦਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦ ਤੋਂ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮੋਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਦੋਸਤੋ, 25 ਸਾਲ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਉੱਤਰ, 250। ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 8, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਉੱਤਰ, 30 ਸਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, 30 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਮਰ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 9, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 6 ਸਾਲ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 10, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ? ਉੱਤਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਕਟ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ, 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 11, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ, 68 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੈਸੇ 65 ਸਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, 65 ਸਾਲ, ਇੱਥੇ 68 ਲਿਖਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਨਫਰਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਦੇਖ ਲਿਓ ਇਹਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 12, ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਤਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਉਤਰਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਹਾਂਜੀ। ਨੰਬਰ 1, ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਉੱਤਰ, ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ, ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ, ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ, ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਦੂਜੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਿੱਲ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ, ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ 4 ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਉੱਤਰ, ਹਾਂਜੀ, ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ 4 ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3, ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਨਵੇਂ ਕਰ
ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਸੰਸਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਉੱਤਰਾਂ 'ਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਰ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਠੀਕ ਹੈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਾਰ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਸੇਮ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ, ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਉੱਤਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਧੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਇੱਕ, ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਦੋ, ਉਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਥ੍ਰੀ, ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਚਾਰ, ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਾਠ 12, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਛੋਟੇ ਉਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਕ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਦਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਲਿਖੋ। ਉੱਤਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਦਨ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਦਨ ਹਨ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋ, ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ, 6 ਸਾਲ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ, 5 ਸਾਲ। ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ 6 ਸਾਲ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4 ਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ, ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਚ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਕੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਤਰ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੰਬਰ 1, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ। ਨੰਬਰ 2, ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਗਲ ਜਾਂ ਦਿਵਾਲਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਨੰਬਰ 4, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉੱਤਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਅੱਗੇ 3 ਜਾਂ 5 ਅੰਕ ਵਾਲੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੋ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1, ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੱਸੋ। ਉੱਤਰ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਨੰਬਰ 1, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3, ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 4, ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ 4, ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਬਸ ਇੰਨੇ 4 ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ। ਉੱਤਰ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਉਹ ਦੂਜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3, ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ 4 ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਉੱਤਰ, ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਨੰਬਰ 1, ਵਿਧਾਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੰਬਰ 3 ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 4 ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ 1/3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਪਾਠ 'ਚ 13 ਆ ਜਾਂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਰੂਪ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਉੱਤਰ, ਲਿੰਕਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? ਉੱਤਰ, ਇੱਥੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ 4 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਨੰਬਰ 1 ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਨੰਬਰ 2 ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਨੰਬਰ 3 ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਨੰਬਰ 4 ਬਾਲਕ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4, ਚੋਣ ਵਿਧੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਉੱਤਰ, ਚੋਣ ਵਿਧੀਆਂ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਉੱਤਰ, ਲੋਕਮਤ ਤੋਂ ਭਾਵ, ਸੋਰੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਸੀ, ਲੋਕਮਤ ਤੋਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਉੱਤਰ, ਲੋਕਮਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਂ ਮਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6, ਲੋਕਮਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ 4 ਸਾਧਨ ਦੱਸੋ। ਉੱਤਰ, ਚੋਣਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7, ਸਵਸਥ ਲੋਕਮਤ ਲਈ ਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਉੱਤਰ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 8, ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ? ਉੱਤਰ, 1885 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਏ ਓ ਹਿਊਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 9, ਚੋਣ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 10, ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਉੱਤਰ, ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਉੱਤਰ, 1920 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 12, ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਸਨ? ਉੱਤਰ, ਹੱਥ, ਕਲਮ ਦਾ ਫੁੱਲ, ਹਾਥੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਉਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤੋ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵਾ ਦਿਓ। ਉੱਤਰ, ਨੰਬਰ 1, ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ, ਨੰਬਰ 2, ਨਾਮਾਂਕਰਨ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ, ਨੰਬਰ 3, ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ, ਨੰਬਰ 4, ਮਤਦਾਨ, ਨੰਬਰ 5, ਮਤਗਣਨਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੱਸੋ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਉੱਤਰ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਨੰਬਰ 1, ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਤਲਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ। ਭਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨੰਬਰ 4, ਬਾਲਕ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਨੰਬਰ 5, ਸੰਯੁਕਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਧਰਮਾਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 6, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕਮਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੱਸੋ।
बड़े उतरा चो भी ऐसा है दोस्तों। सो एक पढ़िए, नम लोकमत उत्तर, लोकमत बिच लोक सॉरी लोकतंत्र बिच लोकमत का हेठ लिखा महत्व है। नंबर एक, सरकार का सदा यह यतन हुंदा है कि लोकमत उस दे पक्ष बिच रहे भाव उस दे विरुद्ध ना होवे। नंबर दो, लोकमत कारण ही सरकार जनता दियां इच्छावां अनुसार काम करती है। नंबर थ्री, लोकमत सरकार ते लटकदी होई तलवार दा काम करती है अते सही तरह काम करन लई मजबूर करती है। नंबर फोर, लोकमत सरकार नू मन मर्जी करन तो रोकदी है। प्रश्न फोर बड़े उत्तरा चो, लोकतंत्रिक शासन प्रणाली विच विरोध दल की भूमिका का वर्णन करो। उत्तर, लोकतंत्रिक शासन प्रणाली विच विरोधी दल हेठ लिखे भूमिका है। नंबर एक, विरोधी दल सरकार नू सत्ता की दुरवरतों नहीं करन दिंदा। नंबर दो, यह जनता दियां समस्यावां नू सरकार तक पहुँचाउंदा है। नंबर थ्री, विरोधी दल संसद दे अंदर अते बाहर सरकार दियां नीतियां दी आलोचना करदा है। नंबर फोर, विरोधी दल भाषणां समाचार पत्रां द्वारा लोकां नू सांझे मसलियां दी जानकारी दिंदा है। नंबर फाइव, समा आउण ते विरोधी दल नू खुद दा सरकार दा गठन करदा है। अगे पाठ 14, भारत दी विदेशी नीतियां। सो ये पढ़िए प्रश्न छोटे उत्तरां वाले। प्रश्न एक, भारतीय विदेशी नीतियां दे चार मूल सिद्धांत लिखो। उत्तर, नंबर एक, चार मूल सिद्धांत ने सही लिखे अनुसार, ठीक है पढ़िए। एक, नंबर एक, गुट निरपे निरलेपता दी नीति, पंचशील सिद्धांत बिच विश्वास। नंबर तीन, संयुक्त राष्ट्र सिंह बिच विश्वास, साम्राज्यवाद का विरोध। तो प्रश्न दो पढ़िए हूँ। हाँ जी, प्रश्न दो, पंचशील तो तुहाडा की भाव है। उत्तर, 1954 ईस्वी विच भारत दे प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू अते चीन दे प्रधानमंत्री विचकार पांच गल्लां उत्ते समझौता होया। इस समझौते नू पंचशील आखदे, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र दे मुख अंग दी सूची दिओ। उत्तर, महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतरराष्ट्रीय अदालतां, सकतरेत। प्रश्न फोर, ठीक है, भारत दी परमाणु नीतियां की है। उत्तर, भारत दी परमाणु नीतियां तरीकी तरक्की ते शांतिपूर्ण कम्मां विच परमाणु शक्तियां नू वरतना है, ठीक है। प्रश्न फाइव, सुरक्षा परिषद विच किन्ने स्थाई अते किन्ने अस्थाई मैंबर हन। पांच स्थाई अते दस अस्थाई मैंबर हन। प्रश्न छे, संयुक्त राष्ट्र का जन्म कदों होया। उत्तर, संयुक्त राष्ट्र का जन्म 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी नू इस दे मुढ़ले मैंबर 51 देशां हन। प्रश्न सात, निशस्त्रीकरण की व्याख्या करो। निशस्त्रीकरण तो भाव हथियारों की दौड़ नू घट करना। प्रश्न अगे बढ़े 70-75 लिखना। प्रश्न एक, पंचशील दे सिद्धांतों का वर्णन करो। उत्तर, 1954 ईस्वी विच भारत दे प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू अते चीन दे प्रधानमंत्री विचकार पांच गल्लां उत्ते समझौता होया। इस समझौते नू पंचशील आखदे हन। इस समझौते हेठ लिखे पांच गल सन। नंबर एक, एक दूसरे नू प्रभु सत्ता अते एकता दा सम्मान। नंबर दो, एक दूसरे उत्ते हमला ना करना। नंबर तीन, एक दूसरे दे मामलों विच दखल ना देना। नंबर फोर, एक दूसरे दा सहयोग करना। नंबर फाइव, शांति बनाए रखना। अगे दूसरा क्वेश्चन पढ़िया जो, गुट निरलेखता दी नीति दा अर्थ अते इस नू अपनाए जाण दे की कारण सी, ठीक है। उत्तर, गुट निरलेपता की नीति का अर्थ, गुट निरलेपता का अर्थ है सैनिक गुटों तो अलग रहना। भारत दुनिया के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहता।
गुट निरलेपता की नीति अपनाउन दे कारण भारत की आज़ादी समय संसार दो गुटों विच वंडिया होया सी अते इन्हां विचकार लंबे समय तो सीत युद्ध चल रही सी। इस लई भारत दे गुट निरलेपता की नीति अपनाई अते किसी भी गुट विच शामिल नहीं होया। अगे प्रश्न 3 विश्व शांति विच भारत की भूमिका का वर्णन करो। उत्तर भारत ने हमेशा ही अंतरराष्ट्रीय शांति बनाई रखने की कोशिश की है। इसका वर्णन हेठ लिखे अनुसार है। ठीक है तुसी पढ़ियो हम इतने दोस्तों। हाँ जी आ रहे 3 पॉइंटा विच। नंबर 1 भारत के सैनिकों के कोरिया कांगो और मिस्र विच शांति स्थापना के काम विच अपना योगदान पाया। ओ किधर गया। हाँ जी हाँ जी। नंबर 2 नंबर पॉइंट 2 भारत जाति भेदभाव और बस्तीवाद का विरोधी है। इसने इस काम विच संयुक्त राष्ट्र नूं पूरी मदद की। नंबर 3 भारत ने गुट निरलेपता की नीति अपनाई इस खुद नूं किसी भी गुट तो दूर रखिया। अगे दोस्तों भूगोल। ठीक है फिर अर्थशास्त्र। ठीक है दोस्तों भूगोल का भी कर लेंगे सारा। तो अर्थशास्त्र भारत एक जान पहचान। सो पढ़िए आंसर कुछ छोटे उत्तर वाले जेडे आ सकते एग्जाम च। प्रश्न 1 भारत का आधुनिक नाम इंडिया किस धारणा से आधारित है। उत्तर भारत का आधुनिक नाम इंडिया सिंधु नदी तो पिया है। प्रश्न 2 भारतीय धरती उत्ते भारत का की स्थिति है। उत्तर धरती उत्ते भारत उत्तरी अर्धगोले विच है। प्रश्न 3 हिंद महासागर विच भारत की की स्थिति है। उत्तर हिंद महासागर विच भारत की केंद्रीय स्थिति है। प्रश्न 4 भारत का खेत्रफल कितना है। भारत का खेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। प्रश्न 5 भारत के उत्तरी दक्षिणी पूर्वी पछमी सीमा बिंदु विचकार कितनी लंबाई है। उत्तर भारत उत्तर तो दक्षिण तक की लंबाई 3,214 किलोमीटर पूर्व तो पश्चिम की लंबाई 2,933 वर्ग किलोमीटर। ठीक है किलोमीटर। प्रश्न 6 भारत दिया थलवर्ती तटवर्ती सीमावां कितनी लंबाइया हैं। उत्तर थलवर्ती सीमावां 15,200 किलोमीटर तटवर्ती सीमा 6,083 किलोमीटर लंबी है। प्रश्न 17 खेत्रफल पक्षों भारत का संसार विच की स्थान है। उत्तर 7वां स्थान है। प्रश्न 8 साढ़े अजोके पंजाब राज का जन्म कदों होया। उत्तर 1 नवंबर 1966 ईस्वी में। प्रश्न 9 अज दे भारत की प्रबंधक पंड की है। उत्तर अज दे भारत विच 28 राज 8 केंद्र शासित होना से दोस्तों 9 नहीं 8 होना थोड़ा गलती होया 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज 8 केंद्र शासित प्रदेश। देश के दे मुख्य धार्मिक स्थानों के नाम दसो। हरिमंदर साहब दिल्ली दी जामा मस्जिद बद्रीनाथ और अमरनाथ। प्रश्न 11 उपमहाद्वीप की है। एक बड़ा विशाल खेतर जो बाकी महाद्वीपों तो स्पष्ट तौर तो वक्रा दिखाई देता उसे उपमहाद्वीप आखते हैं। अगे आजा दोस्तों बड़े उत्तरों विचों। उत्तर प्रश्न 1 की भारत एक महाद्वीप है। हाँ जी उत्तर लिखना एक बड़ा विशाल खेतर जो कि बाकी महाद्वीपों तो स्पष्ट तौर पर वक्रा दिखाई देता है उसे उपमहाद्वीप आखते हैं। भारत में उत्तर दिशा में हिमालय तो काराकोरम जासकर पर्वत तिब्बत तो अलग करते हैं। दक्षण विच मनार की खाड़ी तो श्रीलंका तो वकरती है। पूरब विच आराकान योमा भारत में बर्मा तो अतो अते पछम विच थार मारू तो पाकिस्तान तो वकरते हैं। इन्ना होने ते भी असी भारत में उपमहाद्वीप नहीं आख सकते हैं। तो भारत नेपाल भूटान बंगलादेश सारे देश मिल के ही उपमहाद्वीप का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों सौखा तरीके मैं दसदा कि लिखना लिखना भारत में भारत की विशालता कारण इस उपमहाद्वीप का दर्जा दिता गया है। उपमहाद्वीप वह होंगे हैं जिस दिया भूभाग बखो बखरिया थल खरीदियों तो बख हों हैं। ठीक है पर असी वर्तमान भारत उपमहाद्वीप नहीं कह सकते क्योंकि भारत वर्तम उपमहाद्वीप का निर्माण
बंगलादेश ठीक है नेपाल भूटान इन आदि नाल मिल के ये सारे देशों मिल के उपमहाद्वीप निर्माण होता इसलिए असं पूरे भारत में ही उपमहाद्वीप दर्जा दे सकते ठीक है। मैं अपने आसान शब्दों दसिया दोस्तों ठीक है अगे करिए। हाँ जी प्रश्न दो भारतीय सभ्याचार विच किस तरह दीयां अनेकतावां मिलदीयां हन। उत्तर भारत में वख-वख जातियां ते धर्मां दे लोक रहिंदे हन इस करके लोकां दी बिली रहन सहन ते पहरावे खाण पीण दीयां आदतां घर दीयां बनतर लोक गीत लोक नाच मेले त्यौहार ते रीति रिवाज जां स्पष्ट अनेकतावां दिखाई दिंदे हन ठीक है। ये भी छोटा वैसे तो वड्डा करके लिखना तो गाइड चो कर लियो। मैं तुम दसदा भारत दीयां वख-वख जातियां भारत में वख-वख जातियां ते धर्मां दे लोक रहिंदे हन अते इन्हां दे पहरावे अते रहन सहन भी वखो वखरे पाए जांदे हन जिवें तुसीं खाण पीण दीयां बाकी सारे इही लिख दिओ ठीक है। प्रश्न तीन जदों अरुणाचल प्रदेश में सूरज निकल रहा हुंदा तां गुजरात विच अजे रात हुंदी है व्याख्या करो। उत्तर अरुणाचल प्रदेश अते बिच निकलन वाले सूरज का प्रकाश उत्ते बरकत गुजरात में दिखाई नहीं दिता क्योंकि अरुणाचल तो गुजरात तक की दूरी 2933 वर्ग किलोमीटर है इस तरह 2 घंटे बाद ही गुजरात में सूरज निकलता है ठीक है। सो अगे दूसरा पाठ है जो बोलता 73 सो भी पढ़िए। प्रश्न एक भारत की भौतिक वंड दीयां मुख इकाइयां दे नाम लिखो। उत्तर भारत के 73 नूं 5 भागां विच वंडिया जा सकता है। नंबर एक हिमालय पर्वती खेतर नंबर 2 उत्तरी विशाल मैदान नंबर 3 प्रायद्वीपी पठार नंबर 4 तट दे मैदान नंबर 5 द्वीप समूह ठीक है। तो प्रश्न 2 हिमालय पर्वत श्रेणियां दे आकार की हैं। उत्तर उत्तल चाप जिहा ठीक है। प्रश्न 3 महान हिमालय विच 8000 मीटर तो बाद ऊंचाई दे केड़े चोटियां मिलदियां हैं। माउंट एवरेस्ट कंचनजंगा धौलीगिरी ठीक है। 3 लिख दिओ तुसीं। भारत दे जवान अते प्राचीन पहाड़ां दे नाम लिखो। हिमालय पर्वत जवान पहाड़ जद कि अरावली विंध्याचल प्राचीन पहाड़ डेल्टा की हुंदे हन। नदी दे हेठले भागां विच बने थल रूप नूं डेल्टा आखदे हन। यह अक्सर तिकोण दी शक्ल विच हुंदा है। भारत दे मुख डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा महानदी डेल्टा गोदावरी डेल्टा कृष्णा डेल्टा ठीक है। प्रश्न 6 छोटे हिमालय विच कहड़ियां कहड़ियां सहित वर्तक घाटियां अते स्थान मिलते हैं। उत्तर शिमला श्रीनगर मंसूरी अते नैनीताल। प्रश्न 7 देश दीयां मुख दून घाटियां दे नाम लिखो। देहरादून पतली दून कोटली आदि ठीक है। प्रश्न 8 अरावली पर्वत श्रेणियां दा विस्तार की है अते इस दे सब तो उच्ची चोटी दा नां दसो। उत्तर अरावली पर्वत श्रेणी दिल्ली तो गुजरात तक फैली है। इस दी लंबाई 775 किलोमीटर है। इस दी सब तो उच्ची चोटी गुरु शिखर है ठीक है। प्रश्न 9 देश दा दक्षिणी सीमा बिंदु कित्थे स्थित है। उत्तर इंदिरा पॉइंट अगे बड़े उत्तर वाले दसो। की हिमालय पर्वत अजे सचमुच जवान हालत विच हन। उत्तर इस विच कोई शक नहीं कि हिमालय पर्वत अजे भी जवान हैं ठीक है। इन्हों का जन्म नदियाँ वालों टैथीर ठीक है। अगर पढ़िए की है हाँ जी एक दिन समुद्र विचों बिछाए गए निखेप नाल होया अज भी यह पर्वत ठीक है पर्वत उच्चे उपर उठ रहे हैं। इसलिए असी आख सकते हाँ कि हिमालय पर्वत अजे भी जवान हालत विच हैं ठीक है। उपर उठ रहे इसलिए कारण कह सकते। प्रश्न 2 तटवर्ती मैदानों के समुचे देश नूं की लाभ हैं। उत्तर तटवर्ती मैदान चावल नारियल मसाले अदरक लौंग इलायची आदि की खेती के लिए प्रसिद्ध हैं। नंबर 2 यह मैदान अंतरराष्ट्रीय व्यापार लिए प्रसिद्ध हैं। नंबर 3 घर विच वरत्या जाने वाला नमक इन मैदानों विच तैयार किया जाता है ठीक है। नंबर 4 मुंबई गोवा समुद्री बीच सैलानी का खिच का केंद्र है किधर पहुँच गए दोस्तों। हाँ जी दोस्तों मुंबई हो गया। आप प्रश्न 3
हिमालय खेतरां दे समुचे देश दे विकास लई की योगदान है? उत्तर, इन्हों का योगदान हेठ लिखे हैं। नंबर एक लिखिए दोस्तों की है, हाँ जी, हिमालय पर्वत के उच्चे भागों में बर्फ नदियों नूं सारा साल जल प्राप्त हुंदा है। नंबर दो, हिंद महासागर तो उठन वाली मानसूनी पौना हिमालय पर्वत नाल टकरा के बरखा करदी है। नंबर थ्री, हिमालय पर्वत दियां ढलाना चाह की खेती लई बहुत उपयोगी हैं। नंबर फोर, इन्हां पर्वतों विच अनेक किस्म दियां खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। नंबर फाइव, हिमालय पर्वत के उत्ते उगे जंगलों तो लकड़ और जड़ी बूटियां प्राप्त होंदिया हैं। अगे तीसरा पार्ट दोस्तों जलवायु आ जाता है, ठीक है, ये भी छोटे उतरे फिर बड़े करेंगे। प्रश्न एक, जलवायु और मौसम विच अंतर दस्सो। उत्तर, मौसम किसी भी विशेष के थां अते समय ते जल वायुमंडली हालातों नो उस थान दा मौसम कहते हैं। जलवायु, जलवायु किसी स्थान ते एक लंबे समय दे मौसम तो औसत मौसम दी औसत हुंदी, ठीक है। प्रश्न दो, भारत दी जलवायु नो प्रभावित करन वाले तत्तां दे नाम। भूमध्य रेखा तो दूरी, नंबर दो हिंद महासागर की नेड़ता, नंबर थ्री धरातल, फोर वायु दाब प्रणाली, नंबर फाइव मौसमी पौना। प्रश्न तीन, देश में सर्दियों में वक्त सब तो घट तापमान वाले स्थान के नाम। उत्तर, घट तापमान वाले कारगिल के नेड़े द्रास, वध तापमान वाले तमिलनाडु चेन्नई। प्रश्न फोर, देश में गर्मियों में सब तो गर्म और ठंडे स्थानों के नाम लिखो। ठंडा स्थान श्रीनगर और गर्म स्थान जैसलमेर, ठीक है। प्रश्न पांच, देश के सब तो बद खुशक सब तो बद बरखा वाले स्थान दसो। सब तो बद खुशक थार मालूथल सब बरखा चेहरा पूंजी, ठीक है, जो मसी चेहरा पूंजी के नेड़े मसी डम। प्रश्न छे, देश के सम जलवायु कठोर जलवायु वाले स्थानों के नाम। उत्तर, सम जलवायु मुंबई और कठोर जलवायु दिल्ली चंडीगढ़। प्रश्न सात, जैट स्ट्रीम किस नूं कहिंदे हन? तरातल तो 3 किलोमीटर की उचाई ते चलन वाली हवावां नूं जैट स्ट्रीम कहा जाता है। प्रश्न आठ, मानसून शब्द तो तुहाडा की भाव है? उत्तर, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द मौसम तो हुई है। इस दा भाव मौसम विच तब्दीली आउण ते तापमान नमी विच तब्दीली तो है। नंबर नौ, मानसून का फटना की हुंदा, ठीक है, ये पढ़िए आंसर। हाँ जी, मानसून का फटना क्वेश्चन सी अपना। उत्तर, मानसून पौना 1 जून नू जदों देश दे पछमी तट ते पहुँच के जोरदार बरखा करदियां हन इस नू मानसून का फटना कहिंदे हन। ओ किधर पहुँच गए दोस्तों? हाँ जी, अगला क्वेश्चन दसवां, लू तो तुहाडा की भाव है? उत्तर, दूर पहाड़ियां हनेरियां नू स्थानिक भाषा विच लू कहिंदे हन। प्रश्न ग्यारह, मानसूनी तोड़ की हुंदा है? कई बार गर्मियों में बरखा लगातार ना हो के कुछ दिनों के अंतर नाल होंदी है, इस खुशक समय नू मानसूनी तोड़ कहिंदे हन। प्रश्न बारह, काल विसाख किस नू कहिंदे हन? तूफानी चक्रवातों नू पछमी बंगाल विच काल विसाख कहा जाता है। प्रश्न तेरह, अंबा की बाछड़ तो तुहाडा की भाव है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये पक्का हुआ दोस्तों। केरल और कर्नाटक में मानसूनी बरखा तो पहला ही मोटियां मोटियां बूंदा की बरखा हो जाती है, इस अंबा की बाछड़ या फुलों की बाछड़ भी कहा जाता है, क्योंकि यह बरखा अंबा और फुलों के लिए बहुत लाभकारी होती है, ठीक है। फिर दोस्तों गलती हो गई, ठीक है, अगे करिए किधर। हाँ जी, अगे करिए, अंबा की बाछड़ भी हो गया। अगे कहते, अरब सागर ते बंगाल की खाड़ी तो आने वाले मानसून पौना किहड़े स्थान पर मिलते हैं? उत्तर, छोटा नागपुर पठार से, ठीक है। अगे बड़े उत्तरां वाले प्रश्न, ठीक है दोस्तों। नागपुर मुंबई के मुकाबले ठंडा क्यों है? हाँ जी, थोड़ा जूम कर दी। उत्तर, नागपुर समुद्र तो दूर स्थित है जबकि मुंबई समुद्र नेड़े स्थित है। समुद्र के नेड़े स्थित होने कारण मुंबई में ना ज़्यादा ठंड पैंदी है ना ही ज़्यादा गर्मी होती,
इस दे उलट नागपुर समुद्र तो दूर होने कारण सर्दियों में ज़्यादा ठंड हो सकता है तो गर्मी ज़्यादा गर्मी। ठीक है, लिखा मैं बोलता लैना। दूसरा प्रश्न, चेन्नई में सर्दियों की रुत में ज़्यादातर बरखा क्यों होती है? उत्तर, मानसून पौना शरद रुत में थल तो समुद्र वल चलदी हैं। यह पौना वैसे तो खुशक होती हैं पर बंगाल की खाड़ी तो लंघते समय जल बाष्प सोख लेंदियां हैं। इस कारण चेन्नई में यह पौना सर्दियों की रुत्तों की बरखा करदियां हैं। अगे प्रश्न तीन, भारत सॉरी राजस्थान अरब सागर के नेड़े होने करके खुशक रह जाता है। उत्तर, कारण राजस्थान में पहुँचते समय मानसून पौना नमी की मात्रा काफ़ी घट जाती है। दूसरा पॉइंट, अरावली पर्वत मानसून पौना समान अंतर समांतर अते घट ऊंचाई के कारण इतने बरखा नहीं होंगी। ठीक है, अगे पाठ चार विचों कुदरती बनस्पति जीव जंतु अते मिट्टी। ठीक है, पढ़िए, कुदरती बनस्पति तो की भाव है? उत्तर, वह सारे पेड़ पौधे झाड़ियाँ घा जो मनुख दखल तो बिना ही उगे होंगे उन्होंने कुदरती बनस्पति कहते हैं, जो आप ही उग जाते। ठीक है, प्रश्न दो, जंगल अते बनस्पति जात विच अंतर। उत्तर, जंगल वह खेतर होंगे है जो पेड़ पौधे झाड़ियाँ नाल संघने संघने रूप में घेरिया होंगे है, जबकि बनस्पति जात। पढ़िए इधर, हाँ जी, बनस्पति जात की है, किसी खेतर विच उगण वाले पौद्या दीआं किस्मां नूं कहिंदे हन। प्रश्न तीन, काली मिट्टी किस उपजाऊ लई उत्तम है? कपाह दे लई। प्रश्न फोर, बंगाल दा डर किस बनस्पति नूं किया जांदा है? उत्तर, जल हाइसिन। ठीक है, हाइसिन हाइसिंथ। प्रश्न पंज, साडे देश विच संसार दे मुकाबले किन्ने प्रतिशत भूमि जंगलों हेठ टकी हुई है? उत्तर, भारत में 22.7%। वैसे दोस्तों वैसे 33% होने चाहिए। ठीक है, संसार में 29.5% है, घटना दोस्तों। प्रश्न छे, सब तो वध अते घट जंगली खेतर किस राज विच मिलते हैं? सब तो वध त्रिपुरा अते सब तो घट राजस्थान विच। प्रश्न सत, राज बन किस नूं कहिंदे हन? राजबन वह बन है जिस ते किसी राज दा अधिकार हुंदा है। प्रश्न अठ, राखवें बना तो तुहाडा की भाव है? जिहड़े बना विच पशु चराउणा ते लकड़ी काटना सख्त जिन्ना मना हुंदा है उन्हां नूं राखवें बन कहिंदे हन। प्रश्न नौ, उसन सदाबहार बनस्पति विच उगण वाले दरख्तां दे नाम लिखो। उत्तर, अंब बांस नारियल रबड़। प्रश्न दस, किहड़े किहड़े दरखतों तो सहित बरकत दवाइया तैयार कीतियां जांदियां हन? उत्तर, आंवला रहर बेहड़ा किकड़। प्रश्न ग्यारह, चमड़ा रंगण लई किहड़े दरखतों की सहायता ली जाती है? उत्तर, आंवला रहर बेहड़ा सकिकड़। दे साढ़े देश के राष्ट्रीय पशु और पंछी का नाम लिखो। राष्ट्रीय पशु चीता ते पंछी मोर। प्रश्न तेरह, मिट्टी की परिभाषा दियो। तरातर उत्ते मिलन वाले हल्के ढिले असंगठित चट्टाना चूरे अते जीवांश दे मिश्रण नूं मिट्टी कहा जाता है। प्रश्न चौदह, भूड़ मिट्टियां कित्थे मिलदियां हन? उत्तर, पंजाब अते हरियाणा दे सरहद ज़िलों विच मिट्टिया के कटा तो भाव। ठीक है, प्रश्न पंद्रह, मिट्टिया के कटा तो की भाव है? उत्तर, धरातल के उपरली उपजाऊ परत दे हट जाने मिट्टी कटा कहते हैं। अगे बड़े उत्तर वाले प्रश्न आ जाए दोस्तों। प्रश्न एक, विदेशी पौद्या तो सानू की नुकसान हैं? उत्तर, छोटे छोटे उत्तर वाले वैसे तेरे लिखे, विदेशी पौद्या तो सानू लिखे नुकसान है। नंबर एक, साड़ी लाभकारी बनस्पति बर्बाद हो जाती है, साड़े जल भंडार दूषित हो सकता है। नंबर थ्री, साह चमड़ी संबंधी खतरनाक रोग फैल सकते हैं। अगे प्रश्न दो, कुदरती बनस्पति देश अंदर अंध धुंध कटाई दे की सिट्टे निकलते हैं? उत्तर, कुदरती बनस्पति की
अंधाधुंध कटाई हेठ लिखे सिटे निकलते हैं। नंबर एक, वातावरण प्रदूषित हो गया है। नंबर दो, हरा अते मिट्टी के कटाव ज़्यादा होंदा है। अगे पढ़िए, हाँ जी, पानी का पद्धर डूंगा चला गया है। कि प्रश्न तीन, मिट्टी के कटाव कितनी तरह के होंगे है। पढ़िए आप, उत्तर, धरातल की उपरली उपजाऊ परत हेठ दे हट जाने मिट्टी कटा कहते हैं। मिट्टी के कटाव तीन किस्म के होंगे, हो सकती है नंबर तहदार कटा, इस तरह के कटा विच पौना पौन जा पानी पानी मिट्टी की उपरली तह नू खो के जा उड़ा के दूसरे स्थान पर ले जाती है। दूसरा, नालीदार कटा, मोहलेदार बारिश के समय कई बार धरातल से लंबिया लंबिया नालियाँ बन जांदियां हन, ठीक है। इस कटा नू नाली कटा नालीदार कटा कहते हैं। अगे, खड्डेदार कटा, पौन जां पानी द्वारा मिट्टी नू उड़ा के जां खोर के डूंगे टोए कड़दे हन या बन जांदे हन, या उस नू खड्डेदार कटा कहते हैं। अगे दोस्तों, प्रश्न पाठ छे आ जांदे, भूमि वरतों अते खेतीबाड़ी दा विकास। पढ़िए क्वेश्चन, छोटे वड्डे सारे करांगे। प्रश्न एक, सौनी या जिन्हों खरीफ दे सौनी दी मौसम विच बीजन वाली फसलों के नाम लिखो। उत्तर, झोना, मक्की, मूंगफली, पटसन, कपाह। हाड़ी दी मौसम विच कैड़ियाँ फसलां बीजिया जांदियां हन। कणक, जौ, छोले, सरों। प्रश्न तीन, रसायनिक खाद अते हरी खाद विच अंतर। उत्तर, रसायनिक खाद विच रसायनिक पदार्थ होंगे हैं किसी विशेष तत्वों की घाट को पूरा करने, जबकि पड़े पेड़ पौद्या अते गोबर तो बनी खाद को हरी खाद कहते हैं, ठीक है। दोस्तों, प्रश्न चार, दुधारू पशु अते भारवाहक पशु विच की अंतर हैं। दुधारू पशु दुध प्राप्त होंगे है जिमें कि मजगां, इस तो उलट भारवाहक पशु जुताई बिजाई ते गहाई अते आवाजाई विच किसानां दी सहायता करते हैं। हाँ जी, सनमी जमीन की हुंदी है। उत्तर, सनमी जमीन वह भूमि है जिस विच दो जां तीन साल विच केवल एक ही फसल उगाई जाती है। प्रश्न छे, देश के किन्ने प्रतिशत हिस्से विच वन मिलते हैं। 2.7 भी 3 भी कह देंगे। प्रश्न सत्त, पंजाब विच किन्ने प्रतिशत हिस्से विच वन मिलते हैं। उत्तर, 5.7%, घट बहुत ज़्यादा। प्रश्न अठ, भारत विच किन्ने प्रतिशत भूमि खेती योग है। उत्तर, 51%, ठीक वधिया। प्रश्न नौ, देश विच सब तो वध कणक किहड़े राज विच पैदा की जाती है। उत्तर, उत्तर प्रदेश। प्रश्न दस, चारागाहां हेठ जमीन कट जाण दे मुख कारण की हन। उत्तर, वधदी होई जनसंख्या दीआं जरूरतां नूं पूरा करन लई चारागाहां नूं खेती भूमि विच बदलिया जा रहा है। प्रश्न 11, चौलों के उत्पादन विच सब तो वड्डा राज दा नाम है। पछमी बंगाल। प्रश्न 11, दालों के उत्पादन विच भारत दा संसार विच केड़ा स्थान है। पहला, भारतीय खेती दीआं मुख तीन समस्यावां दसो। हाँ जी, पढ़िए। हाँ जी, इधर गया समस्या। हाँ जी, आ रहा। उत्तर, पहली समस्या भूमि ते जनसंख्या दा भारी दबाव। नंबर दो, चंगे बीजां दी समस्या। नंबर थ्री, सिंचाई दी समस्या। प्रश्न 14, तेल बीज फसलों के नाम दसो। मूंगफली, सरों, सूरजमुखी, नारियल, बड़े भी, ठीक है। प्रश्न 15, आलू दे मुख उत्पादक राज केड़े हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब। प्रश्न 16, पंजाब विच मुख आलू पैदा करन वाले जिलों के नाम लुधियाना, जलंधर, हुशियारपुर, पटियाला, ठीक है। प्रश्न 17, पशुआ धन विच पंजाब देश विच केड़ा स्थान है। उत्तर 13। प्रश्न 18, सब तो वध पशु देश के किहड़े राज विच मिलता है। उत्तर, उत्तर प्रदेश। प्रश्न 19, फलां अते सब्जियां देश उत्पादन विच भारत दा संसार विच केड़ा स्थान है। उत्तर दूसरा, 16 सब्जियां ठीक उत्पादन विच। प्रश्न 20, ओ सेब उत्पादन करन वाले राजां दे नाम दसो। उत्तर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। अगे तीन अंक पढ़े दोस्तों, वे उत्तर प्रश्न जोड़े आ। हाँ जी, करिए। खेती नूं भारत की आर्थिक प्रणाली का मुख आधार क्यों कहा जाता है, जां खेती दे लाभ दसो। उत्तर, हाँ जी, रुजगार का साधन, उद्योगों लई कच्चा माल राष्ट्रीय आमदन
ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਖਾਣ ਲਈ ਅਨਾਜ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲਾਭ ਕੀ ਹਨ? ਉੱਤਰ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲਾਭ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਲਈ ਲੱਕੜ, ਕਾਗਜ਼ ਲਈ ਲੁਗਦੀ, ਲਾਖ, ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੂੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਬਰਖਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਿੰਨ, ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਵਾਹ ਖੇਤੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਉੱਤਰ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜਾਂ ਨਿਰਵਾਹ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਵਾਹ ਖੇਤੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਵਾਹ ਖੇਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਾਰ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਣਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਉੱਤਰ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1966 ਤੋਂ 67 ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਣਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੰਜ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਉੱਤਰ, ਇਸ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਇੱਕ, ਚੰਗੀਆਂ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਨੰਬਰ ਦੋ, ਚੰਗੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਨੰਬਰ ਤਿੰਨ, ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਨੰਬਰ ਫੋਰ, ਚੰਗੀਆਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਨੰਬਰ ਫੋਰ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਛੇ, ਡੈਰੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਲਾਭ। ਨੰਬਰ ਇੱਕ, ਉੱਤਰ, ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਲਿਖਣ ਲਾਭ ਹਨ। ਨੰਬਰ ਇੱਕ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ। ਨੰਬਰ ਦੋ, ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ। ਨੰਬਰ ਤਿੰਨ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਨੰਬਰ ਫੋਰ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਅੱਗੇ ਪਾਠ ਸੱਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਧਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਵੀ ਸੋਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਛੋਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੁੱਖ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਲੋਹਾ, ਕੋਲਾ, ਅਬਰਕ ਅਤੇ ਬਾਕਸਾਈਟ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਗਨੀਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉੱਤਰ, ਇਸ ਪਾਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ। ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਿੰਨ, ਅਬਰਕ ਉਪਯੋਗ ਕਿਸ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਬਿਜਲੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੱਕਾ ਨਾ ਦੋਸਤੋ, ਪੱਕਾ ਰੱਟ ਲਓ। ਅਬਰਕ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਉਦਯੋਗ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੰਬੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਬਰਤਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੰਜ, ਚੂਨੇ ਦੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੀਮੇਂਟ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਛੇ, ਅਬਰਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ? ਉੱਤਰ, ਪਹਿਲਾ, ਬਾਕਸਾਈਟ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਧਾਤ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉੱਤਰ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅੱਠ, ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉੱਤਰ, ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੌਂ, ਸੋਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਉੱਤਰ, ਸੋਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਕੋਲਾਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਸ, ਬੈਲਾਡੀਲਾ ਖਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉੱਤਰ, ਲੋਹੇ ਦੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਗਿਆਰਾਂ, ਨੇਗਲਾਈਟ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ, ਭੋਰਾ ਕੋਲਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਾਰਾਂ, ਸਾਗਰ ਸਮਰਾਟ ਨਾਮ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਕੀ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ, ਜਪਾਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਗਰ ਸਮਰਾਟ ਨਾਮ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਰਮ ਤੇਲ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਉਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ, ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ? ਉੱਤਰ, ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਯੋਗਦਾਨ ਹਨ। ਨੰਬਰ ਇੱਕ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ। ਨੰਬਰ ਦੋ, ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ। ਨੰਬਰ ਤਿੰਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਔਜ਼ਾਰ। ਨੰਬਰ ਫੋਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ? ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅਗਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਉੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਬਣੀ ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਦਕਿ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਅਗਨੀ ਚਟਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਿੰਨ, ਸੌਰ ਸ਼ਕਤੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ, ਸੌਰ ਸ਼ਕਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ
पानी गर्म करन अते कमरिया नू गर्म रखन दा काम बहुत ही घट खर्च ते कीता जा सकता है। कोला अते तेल भविख विच खत्म हो जाएंगे। प्रसंचार कुदरती गैस दा उत्पाद उद्योग विच की महत्व है। सो पढ़ लेने भी जल्दी जल्दी। हाँ जी, उत्तर, कुदरती गैस तो खाद बनाई जाती है। प्लस पाइपलाइन द्वारा गैस नू एक स्थान तो दूसरे स्थान तक आसानी नाल भेजा जा सकता है। प्रश्न पांच, शक्ति पिंड विच योजना बारे विस्तार पूर्वक वेरवा दिओ। उत्तर, इस योजना विच गोहा मुर्गियां दे अंश अते मनुख मलमूत्र दे वरतों द्वारा गोबर गैस प्लांट लगाए गए हैं। यह व्यक्तिगत सामूहिक अते पिंड पद्धर ते लगाए गए हैं। बड़े शहरां विच असीवरेज रेज दी वरतों भी इस काम लई कीती जांदी है। अगे दोस्तों पाठ दस, जनसंख्या, ठीक है, ये भी पढ़ते दोस्तों। जनसंख्या किसी देश का सब तो बड़ा मूला साधन है, की साधन, ठीक है। उत्तर, तंदुरुस्त नागरिक। प्रश्न दो, साल 2011 विच भारत की जनसंख्या कितनी सी? उत्तर, 124.7 करोड़। प्रश्न तीन, देश के सब तो वध अते सब तो घट जनसंख्या वाले राज्य नाम लिखो। सब तो वध उत्तर प्रदेश, सब तो घट सिक्किम, ठीक है। प्रश्न दो, सॉरी चार, पंजाब विच पूरे देश दी कितने प्रतिशत बसों रहती है? उत्तर, 2.3%। प्रश्न पांच, देश के पिंडा विच कितने प्रतिशत लोग रहते हैं? उत्तर, 71%। प्रश्न छे, देश विच जनसंख्या की औसत घनता कितनी है? 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रश्न सात, लिंग अनुपात तो तुहाडा की भाव है? उत्तर, लिंग अनुपात तो भाव 1000 मर्द आदमियों पिछे औरतों की गिनती तो है। अगे बड़े उत्तर दोस्तों, क्वेश्चन, भारत विच जनसंख्या की वंड केड़े केड़े तत्तां तो तत्तां दा ज़्यादा प्रभाव है? उत्तर, भारत विच जनसंख्या की वंड हेठ लिखे तत्तां दे प्रभाव है। नंबर एक, उपजाऊ भूमि। नंबर दो, बरखा। नंबर तीन, जलवायु। फोर, आवाजाई के साधन। नंबर फाइव, उद्योगिक धंधे। अगे दोस्तों, भारत नूं पिंडां दा देश क्यों कहिंदे हन? उत्तर, इस दे हेठ लिखे कारण हन। नंबर एक, ज़्यादातर लोग पिंडां विच रहिंदे हन। नंबर दो, देश दी जनसंख्या दा 70% भाग पिंडां विच रहिंदी है। नंबर, ठीक है। प्रश्न तीन, देश के मैदानी भागों में जनसंख्या की घनता वध होने के कारण की कारण हैं? उत्तर, इस दे हेठ की कारण है, उपजाऊ भूमि। नंबर दो, बरखा। नंबर तीन, जलवायु। नंबर फोर, आवाजाई के साधन। नंबर फाइव, उद्योग धंधे, ठीक है। जो पढ़ना एक बार दोबारा पढ़ लो, थोड़ा वीडियो लेंथी हो रही है दोस्तों, तुहानू कराना सारा ना, इसलिए थोड़ा मैं जल्दी बोल रहा। प्रश्न चार, भारत में लिंग अनुपात घट होने के कारण है? सो पढ़िए इसका भी आंसर। उत्तर दोस्तों, भारत विच इस्तरी दा दर्जा छोटा होण इस दा मुख कारण है। छोटी उम्र विच लड़कियां दी सेहत खुराक अते देखभाल ते घट ध्यान दिता जांदा है। जन्म दे समय ही लड़कियां दा घट पैदा होण अते कन्या भ्रूण हत्या भी इस दे मुख कारण हन। सो दोस्तों, ये भी हो गया भूगोल, भी हुण दस लास्ट रह गया अपना अर्थशास्त्र दोस्तों, ये भी आपां जल्दी कंप्लीट कर लांगे दोस्तों, ठीक है। सो फस्ट एक पाठ है तो मुढ़ली धारनावा, सो पढ़ते हैं दोस्तों। हाँ जी, प्रश्न एक, राष्ट्रीय आमदन की परिभाषा दिओ। उत्तर, राष्ट्रीय आमदन देश के निवासी की एक बड़े दौरान मजदूरी ब्याज लगान अते लाभ का कुल जोड़ है, ठीक है। प्रश्न दो, प्रति व्यक्ति आमदन की परिभाषा दिओ। किसी देश के लोगों की औसत आमदन नू प्रति व्यक्ति आमदन कहते हैं। फार्मूला है, प्रति व्यक्ति आमदन बटा जनकुल जनसंख्या, ठीक है, या राष्ट्रीय आमदन, राष्ट्रीय आमदन बटा जनसंख्या, कुल जनसंख्या होना, ठीक है दोस्तों। उपभोग तो की भाव है? एक बरे दौरान उपभोग उत्ते किए जाने वाले खर्च में उपभोग कहते हैं, ठीक है। निवेश की परिभाषा दो, या पूंजी निर्माण किसनों कहते हैं? पूंजी विच होने वाले वाधे निवेश कहा जाता है। प्रश्न पांच, छुपी हुई बेरोजगारी तो भाव, जब किसी काम उत्ते लोड़ नालों वध गिनती या बंदे लगे हों
ਤਾਂ ਵੱਧ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਛੁਪੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6 ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿਓ। ਜਦ ਲੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਔਕੜਾ ਕੰਮ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7 ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 8 ਮੁਦਰਾ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਪੂਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 9 ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪਣੀ ਲਿਖੋ। ਉੱਤਰ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਬਿਆਓ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਓਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਹੋ ਦੋਸਤੋ ਕਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਦੋਸਤੋ ਪੜ੍ਹੀਏ ਦਾ ਅੰਤਰ। ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਛਾਪ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦੀ ਵਿੱਤ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 11 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 2400 ਕੈਲੋਰੀ ਦੀ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 12 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਅਨੁਦਾਨ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 13 ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਸੋ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਨੀਚੇ ਕਰਨਾ ਉੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਵੱਡੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿਓ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ। ਉੱਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਆਜ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਬਚਦੀ ਹੈ ਉਸ ਜੋ ਆਮਦਨ ਬਚਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2 ਬੱਚਤ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਭੋਗ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚ ਨੂੰ ਘਟਾ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜੋ ਧਨ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਬੱਚਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਤ ਬਰਾਬਰ ਆਮਦਨ ਉਪਭੋਗ ਠੀਕ ਮਾਈਨਸ ਉਪਭੋਗ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3 ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਰਾਹੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਉੱਤਰ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਦੋਸਤੋ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੋਸਤੋ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰ ਜਾਇਓ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਤੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੱਧ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਛੁਪੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਦਾਹਰਣ ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ 4 ਏਕੜ ਖੇਤ ਹੈ ਖੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਕਰ 4 ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 8 ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਛੁਪੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਸੋਰੀ ਦੋਸਤੋ ਠੀਕ ਆ ਦੋਸਤੋ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4 ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ। ਹਾਂਜੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ। ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਈ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁੱਧ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਵਟ ਆਦਿ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ
जाता है। शुद्ध पूंजी निर्माण का फार्मूला कुल पूंजी निर्माण माइनस किसावट। अगे दोस्तों और पाठ दो भारतीय अर्थव्यवस्था से संरचना ठीक है पढ़िए। प्रश्न एक आर्थिक संरचना तो की भाव है। उत्तर आर्थिक संरचना तो भाव उन्हां सुविधावां क्रियावां अते सेवावां तो है जो हर खेत्र के विकास विकास में सहायता असहाई होंगी है होंदिया हैं ठीक है। प्रश्न दो भारत दियां मुख आर्थिक आर्थिक आधारिक संरचनावां कीड़ियां हैं। उत्तर नंबर एक आवाजाई संरचना, नंबर दो शक्ति साधन, नंबर तीन सिंचाई, नंबर फोर बैंकिंग अते होर वित्तीय संस्थावां। प्रश्न तीन भारत में यातायात या आवाजाई के साधन किहड़े हैं। उत्तर नंबर एक रेलवे यातायात, नंबर दो सड़क यातायात, नंबर तीन जल यातायात, नंबर फोर जल हवाई यातायात। अगे सिंचाई तो की भाव है, इसकी लोड़ क्यों होंदी है ठीक है दोस्तों ये भी करिए। हाँ जी जमीन नूं बनावटी साधना राही पानी देने लई सिंचाई कहते हैं। भारत भी सिंचाई दे बहुत लोड़ है क्योंकि इत्थे बरखा निश्चित नहीं है ठीक है। प्रश्न पंज भारत विच बिजली दे मुख साधन किहड़े हैं। उत्तर ताप बिजली, जल बिजली, परमाणु बिजली। प्रश्न छे भारत विच सिंचाई दे मुख साधन किहड़े हैं। उत्तर नहरां, ट्यूबवैल, खूह, तलाब। प्रश्न सात भारतीय रिजर्व बैंक उत्ते नोट उत्ते टिप्पणी लिखो। हाँ जी यह भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1935 ईस्वी की गई। इसका मुख्य काम नोट छापना अते वित्ती नू कंट्रोल करना। प्रश्न आठ भारत के व्यापारी बैंकों उत्ते नोट लिखो। उत्तर यह बैंक थोड़े समय लिए कर्जे देंदे हैं। सरकारी बैंक लाभ कमाउण दे नाल समाजिक कल्याण नू भी महत्व देन लगे हैं। प्रश्न नौ भारत दियां बेसिटी बैंकां संस्थावां कीड़ियां हैं। उत्तर नंबर एक भारत उद्योगिक विकास बैंक, पेंडू खेती बैंक, सहकारी समितियां, नंबर फोर निर्यात आयात बैंक ठीक है। प्रश्न दस उपभोक्ता संरक्षण संरक्षण तो की भाव है। इस दे उपाय किहड़े हैं ठीक है। उत्तर उपभोक्ता संरक्षण तो भाव वस्तुआ दे खरीददार नूं उपभोक्ता वल्लों होण वाले शोषण तो बचाउण लई बचाउणा इस दे मुख उपाय हैं हेठ लिखे हैं ठीक है। नंबर एक उपभोक्ता संरक्षण एक्ट, नंबर उपभोक्ता संरक्षण संरक्षण परिषद अते उपभोक्ता झगड़े फॉर्म ठीक है। नंबर प्रश्न ग्यारह सार्वजनिक वितरण प्रणाली उत्ते टिप्पणी लिखो। उत्तर इस प्रणाली द्वारा सरकार देश के गरीब लोगों को उचित कीमत दियाँ दुकाना राही अनाज, चीनी, मिट्टी का तेल आदि वस्तुआं घट रेट उत्ते उपलब्ध करवाउंदियां हन करवाउंदी है ठीक है। प्रश अगे बड़े उत्तर आने थोड़े आ जाते ये भी करने दे। आधारिक संरचना तो तुहाडा की भाव है, इस दी लोड़ क्यों है। उत्तर आधारिक संरचना तो भाव है वह सुविधावां क्रियावां ते सेवावां है जो सोरनात खेतरां दे विकास सहायक सहायक हुंदी है। मतलब आधारिक संरचना की कमी कारण उद्योगों अते खेतीबाड़ी आदि खेतरां दे विकास विच रुकावट पैदा हो सकदियां हन। उदाहरण के तौर पर आवाजाई के साधना की घाट नाल किसी देश के उद्योग अते खेतीबाड़ी विकसित नहीं हो सकती। प्रश्न दो भारत दियां मुख मौद्रिक संस्थावां किहड़ियां हन। उत्तर साहूकार, नंबर उत्तर नंबर दो भारतीय रिजर्व बैंक, नंबर तीन व्यापारिक बैंक, बजट नंबर फोर बजट बैंक संस्था, नंबर फाइव गैर बैंक वित्तीय संस्थावां। प्रश्न तीन हाँ जी दोस्तों प्रश्न तीन मैं भी थक गया वैसे दोस्तों बोल बोल के
थोड़ा जिहा रह गया फर्क, मैं कहना करा ही दिंदे। उपभोक्ता दे शोषण तो की भाव है? उपभोक्ता संरक्षण दे मुख उपाय। उत्तर, उपभोक्ता का शोषण उत्पादकों द्वारा घटिया अते मिलावटी चीज़ा उच्चियां कीमतों ते बेचियां जांदियां हन। इस नाल उपभोक्तावां दी लुट हुंदी है जिस नूं उपभोक्ता शोषण कहिंदे हन। उपभोक्ता संरक्षण दे ढंग, उपभोक्ता संरक्षण तो भाव वस्तुआं दे खरीददारां नूं उत्पादकां वालों होण वाले शोषण तो बचाउणा इस दे मुख उपाय हेठ लिखे हन। उपभोक्ता संरक्षण एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण परिषद, उपभोक्ता झगड़े। ठीक है, अगे करिए दोस्तों। हाँ जी, की देख लें उपर। हाँ जी, फॉर्म। ठीक है, फॉर्म उपभोक्ता संरक्षण फॉर्म बना पार्ट तीन। ठीक है, ये भी कर लें। भारत खेत खेतीबाड़ी का विकास। प्रश्न एक, भारत के राष्ट्रीय आमदन खेती का की योगदान है? उत्तर 17.1%। प्रश्न दो, भारत के मुख भूमि सुधार कि जिमीदार प्रथा का खात्मा, भूमि की जोतों की सीमा दर्ज करना, काश्तकारी प्रथा का सुधार। हाँ दोस्तों, ये दो ही क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं। प्रश्न एक, भारत की अर्थव्यवस्था में खेती का महत्व बयान करो। उत्तर, राष्ट्रीय आमदन में योगदान, नंबर दो रुजगार साधन, नंबर तीन उद्योगों में कच्चा माल, नंबर फोर देश के लोगों के लिए अनाज। अगे दसों दो अंक वाले क्वेश्चन, भारतीय खेती दीयां मुख समस्यावां का वर्णन करो। उत्तर, भारतीय खेती दीयां हेठ लिखिया मुख समस्यावां हन, नंबर एक अनपढ़ता, नंबर दो खेत, नंबर तीन सिंचाई की समस्या, नंबर छोटे खेत आना सी दो, ठीक है, नंबर फोर चंगे बीजां की समस्या, नंबर फाइव खाद की समस्या, नंबर छे साख बीत की समस्या, नंबर सैवन बिक्री की समस्या। ठीक है, अगे दोस्तों प्रश्न तीन, भारतीय खेती के विकास में सरकार के योगदान का वर्णन करो। उत्तर, खेती के विकास में सरकार का योगदान हेठ लिखे अनुसार है। नंबर एक खेती संबंधी सिखलाई, नंबर दो भूमि सुधार, नंबर तीन सिंचाई का प्रबंध, नंबर फोर चंगे बीजा का प्रबंधन, नंबर फाइव सस्तियां ते वधिया खाद का प्रबंधन, नंबर छे साख का प्रबंधन, नंबर सैवन बिक्री का सुधार। सो दोस्तों, मैं थोड़ा फास्ट पढ़ रहा क्योंकि वीडियो लेंथी हो रही, तुम दोबारा पढ़ना पढ़ लियो थोड़ा या थोड़ा स्लो कर लियो दोस्तों, या रोके पढ़ना रोके पढ़ लियो दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगे, हरी क्रांति तो तुम की समझते हो? हरी क्रांति के मुख्य प्रभाव की हैं? उत्तर, हरी क्रांति तो भाव विशेष करके कणक अते चावलों के उत्पादन विच होने वाले भारी वाधे तो है। नवीं तकनीकां वधिया खाद अते चंगे बीजां दे विवर्तन करके होया है। हरी क्रांति तो भाव अन्न समस्या का हल, उद्योगों का विकास, नंबर थ्री किसानों की आमदन विच वाधा, नंबर फोर अनाज दे आयात विच कमी। ठीक है, अगे प्रश्न पाँच, हरी क्रांति की सफलता के मुख्य तत्वों बारे लिखो। उत्तर, नंबर एक भूमि सुधार, नंबर दो सिंचाई दी सहूलत, नंबर तीन चंगे बीजा की सहूलत, नंबर फोर वधिया खादा की सहूलत, नंबर पाँच साख दी सहूलत, नंबर छे बेकरी दी सहूलत। अगे दोस्तों पार्ट फोर लास्ट है दोस्तों, लास्ट ही है ना? हाँ जी, आई थिंक लास्ट है। भारत में उद्योगिक विकास। प्रश्न एक, मुढ़ले उद्योग दिया कोई तीन उदाहरण। उत्तर, नंबर एक लोहा इस्पात उद्योग, नंबर दो सीमेंटिंग उद्योग, नंबर थ्री इंजीनियरिंग उद्योग। ठीक है, प्रश्न दो दोस्तों, लघु उद्योग अते कुटीर उद्योग तो की भाव है? ये पक्का होगा दोस्तों, लघु उद्योग। इन उद्योगों में 25 लाख तो 3 करोड़ रुपए तक की पूंजी लगी होंगी है। कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग तो भाव उस उद्योग तो है जो कि एक परिवार के मैंबर एक छत हेठ बैठ के चलाते हैं।
ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਅਤੇ ਪਰ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਉੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ 25 ਤੋਂ 70 ਸਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਘੂ ਅਤੇ ਕੁਟੀਰ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਸੇਮ ਕੋ ਦੋਨੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਆਂਸਰ ਆ। ਚੋ ਪੜ੍ਹੀਏ ਆਪਾਂ, ਆ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਘੂ ਅਤੇ ਕੁਟੀਰ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਹੱਤਤਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਨੰਬਰ 1 ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ, ਨੰਬਰ 2 ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਨੰਬਰ 3 ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਨੰਬਰ 4 ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ, ਠੀਕ ਆ, ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਲਿਖਿਆ, ਵੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਕਰਦੇ ਦੋਸਤੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਘੂ ਅਤੇ ਕੁਟੀਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਉੱਤਰ, ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ, ਇਹਨਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਟੀਰ ਉਦਯੋਗ, ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ ਕੁਟੀਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਸਾਖ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਕੀ ਆ, ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ, ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਇਹ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਦੋਸਤੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਘੂ ਅਤੇ ਕੁਟੀਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੱਸੋ। ਉੱਤਰ, ਨੰਬਰ 1 ਕੁਟੀਰ ਉਦਯੋਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਟੀਰ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਟੀਰ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਧ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕੁਟੀਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਦੀ ਕੱਪੜੇ, ਚਟਾਈ ਅਤੇ ਜੁੱਤੇ ਆਦਿ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਆਧੁਨਿਕ ਵਸਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਸ਼ਚਨ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਤੇ ਅੱਛੇ ਮਾਰਕਸ ਲੈਣ ਦੋਸਤੋ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੱਕਾ ਆਉਣਗੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਊਗੇ ਪੇਪਰ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਏ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਰਾਤੇ। ਜੇਕਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਵਿਦ ਸੋਲਵ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਿਓ ਦੋਸਤੋ, ਇੰਨੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਭੂਗੋਲ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ, ਇਤਿਹਾਸ ਐਂਡ ਨਾਗਰਿਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਬਾਏ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੈਂਥੀ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੋਈ ਦੋਸਤੋ? ਹਾਂਜੀ 2 ਘੰਟੇ 13 ਮਿੰਟ ਦੀ ਲਗਭਗ, ਹੈ ਨਾ ਦੋਸਤੋ, 13 ਮਿੰਟ ਦੀ ਆ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਬਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤ।